गुड मॉर्निंग गाइस। उस क्लास में ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, कम बच्चे हैं, ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। फिर से कोशिश करेंगे, ठीक है। गुड मॉर्निंग गाइस। मेरे को लगा तुम जोश में चिल्ला दोगे, तुम नहीं चिल्लाए। एक और बार कोशिश करेंगे, ठीक है। अच्छे से सा उठ गए जैसे बोलना, जैसे कि दोपहर के 2 बज रहे हैं, सुबह सुबह के 6 नहीं बजे हों, उस तरीके से बोल के देखना, ठीक है। गुड मॉर्निंग गाइस। चलो क्लास शुरू करें। मेरे को पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने घर जा करके जो मैंने कल पढ़ाया वो तुम लोगों ने रिविजन किसने, अच्छा झूठ किसी से नहीं बोलना है इस क्लास में। मेरे को एक चीज चाहिए आपसे, ऑनेस्टी। अगर तुम क्लास में इतनी ऑनेस्टी रखोगे कि भाई मैंने पूछा किसने होमवर्क नहीं किया, तुम हाथ उठा देना बस। हम लोग 10th स्टैंडर्ड तक क्या करते थे, हम लोग मेजर करते थे कि भैया मेरे पकड़े जाने के चांसेस कितने हैं। अगर मेरे को लगता है मेरे चांसेस कम है तो मैं नहीं बताऊंगा, पर अगर उसके बाद अगर टीचर के हाथ लग गया तो दिक्कत हो जाती थी। अभी मेरी बात सिंपल सी सुनना, बी वेरी ऑनेस्ट विथ मी इन द क्लास। तुम लोग अगर मान लो कभी मैं होमवर्क दे रहा हूं, आपको 4-5 दिन तक रोज पूछ रहा हूं किया किया किया, आप हाथ उठा रहे हो नहीं किया नहीं किया, एटलीस्ट आई विल नो दैट दिस पर्सन इज नॉट स्टडिंग। मैं तुमसे बात करूंगा एंड वी विल सॉल्व इट। पर अगर तुम लोग छुपाओगे कि नहीं नहीं मैं तो पकड़ा नहीं जाऊंगा, इतनी बड़ी क्लास है, तो नुकसान किसका? हमारा नुकसान, मेरा भी नुकसान। तो मेरे को क्या चाहिए कि तुम लोग एकदम ऑनेस्टली मेरे को बताओ, नहीं किया तो नहीं किया साहब, एटलीस्ट वो होना चाहिए कि मैं कल करके आऊंगा। अब मेरे को बताओ किसने किसने कल घर जाकर के एकदम शिद्दत से बताना रिविजन नहीं किया, हाथ उठाओ। सर क्या रीजन था? Just trying to understand, what is the reason? Time नहीं मिला सर, क्या रीजन था? घर जाके थक गए थे, ठीक है, थक गए थे। यहां से सीधा घर गया था ना, ठीक है, क्योंकि रास्ते में बहुत पार्क्स आते हैं भाई, भटक जाते हैं बच्चे। सुनो वहां पे सर जिन्होंने हाथ उठाया था, क्या रीजन था? मैं जेन्युइन रीजन समझने की कोशिश कर रहा हूं, व्हाट इज द रीजन? सर आपने किया कुशाग्रज, राइट? क्या कुशाग्र, बोलो आपका क्या रीजन है? इंटर का एक फ्रेंड आया था, ठीक है, और आया था के चक्कर में आप पढ़ाई नहीं करें, ठीक है, ओके, ऑल राइट। चलो गाइस सुनो मेरी बात, कोई बात नहीं जाने दो। मैं ये बोल रहा हूं कल की गलतियों पे और गलती बिल्ड मत होने देना, इट इज वेरी इजी। मैं हमेशा आपको ये बोलता हूं, कल नहीं किया तो आज भी नहीं करेंगे, क्या फर्क पड़ता है? जब तुमको पता है कभी, एक तो तुमको पता है ना सुबह तो हम सब आराम से उठ जाते हैं, मतलब 7 बजे उठना तो यू हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है कि नहीं? नहीं है ना सर। पर हम लोग अगर ना 7 बजे उठने की कोशिश करें और 2-3 दिन तक वो अलार्म बंद करके अगर 10-10 बजे उठे ना, इसका मतलब ये निकल के आता है तुम अपने माइंड को क्या बोल रहे हो, इट्स ओके टू बी लेट, इट्स ओके टू नॉट वेक अप ऑन टाइम, क्योंकि 2 दिन कर लिया ना तुमने, तो प्लीज अभी जो 2 दिन हो गया वो छोड़ दो, कोई बात नहीं। खास करके उन्होंने जिन्होंने रिविजन नहीं किया, प्लीज एक प्रॉमिस करोगे आज से शुरू करें? पक्का? जो मैं पढ़ाया वो पूरा घर जाके रिवाइज करोगे क्या? बस इतने में गेम बदल जाएगा भाई। जो घर जाके पढ़ेगा तुम देख लेना, तुमको देखना है ना 10% रिजल्ट जो आता है। तुम आज का दिन याद रख लो, आज क्लास शुरू हो रही है,
तुम क्लास का आखिरी दिन याद रखना, कितने बच्चे कंसिस्टेंटली होमवर्क करते हैं, कितने बच्चे कंसिस्टेंटली क्लासेस समय पे आके सारा राइटिंग काम करते हैं, तुमको दिख जाएगा 10% बच्चे हैं, और तुमको ये भी दिख जाएगा कि वो 10% बच्चे सारे सब्जेक्ट में बैठे, एक नहीं सारे सब्जेक्ट में बैठे हुए, तो तुमको वो 10% रिजल्ट क्लास में ही दिख जाएगा। तो अपने को वो 10% में बनना है कि नहीं? यस सर। तो आज होमवर्क करोगे क्या? यस सर। ऑलराइट, चलो वी विल बिगिन टुडेस क्लास विद रिवीजन ऑफ यस्टरडेज कॉन्सेप्ट। क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने कल? कल क्या हमने सबसे पहले, क्या हमने कंपनी का डेफिनेशन पढ़ा था? पहले तो सबसे पहले हमने सेक्शन 1 पढ़ा था। व्हाट वाज सेक्शन नंबर 1? सेक्शन नंबर 1 क्या था? शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट, एप्लीकेबिलिटी। शॉर्ट टाइटल द कंपनीज एक्ट 2013, एक्सटेंट टू द होल ऑफ इंडिया, कमेंसमेंट व्हेन नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट, और एप्लीकेबिलिटी। तीन पॉइंट बताया था मैंने, पहला टू द कंपनीज फॉर्मड अंडर और अंडर एनी प्रीवियस लॉ, दूसरा बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी और कंपनी फॉर्म्ड अंडर एनी स्पेशल एक्ट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सच स्पेशल एक्ट, उस एक्ट को ध्यान में रखते हुए, और तीसरा एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे कि NHAI। ठीक है, ये हो गया आपका एप्लीकेबिलिटी। उसके बाद अपन ने सेक्शन 2 शुरू किया। सेक्शन 2 में मेरे स्क्रीन पे देखो, अपन ने 220 पढ़ा, 211 पढ़ा, 268 पढ़ा और 271 पढ़ा। ये चार चीजें अपन ने पढ़ी। याद हो ऐसा जरूरी नहीं है, पर अभी जब मैं बोलूंगा तो वापस उसको दिमाग में डालो, अंदर से आ रहा है ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। पर सर 2 clause 20 क्या है? डेफिनेशन ऑफ अ कंपनी। कंपनी मींस अ कंपनी, कंपनी मींस, डू यू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्ड मींस? यस, इट इज एन एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया नहीं सर, अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। ये हो गया आपका कंपनीज। उसके बाद 2 clause 11 था, 2 clause 20 था ये। उसके बाद 2 clause 11 क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट मींस, मींस नहीं था, बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट डज नॉट इंक्लूड, दो चीजें लिखी हुई थी सुनना, कोऑपरेटिव सोसाइटी और दूसरा सच बॉडी कॉर्पोरेट एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। समझे क्या? ये आपका मेन डेफिनेशन क्या था? इंक्लूड्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। उसके बाद 2 clause 68 क्या था? रुक जाओ, किसी को कोई है जो 2 clause 68 बताना चाहेगा सामने से? ठीक है, कोई है जो 2 clause 68 बताना चाहेगा? ट्राई मारो यार, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम गलत करो मेरे को खुशी होगी, पर तुम ट्राई मारो मेरे को उससे ज्यादा खुशी होगी, प्लीज। यस मैडम, ओह प्राइवेट कंपनी। अरे ये तो पूरी क्लास को पता है भाई, अंदर का थोड़ा सा, अंदर का। व्हाट इज अ प्राइवेट कंपनी? प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड विच बाई इट्स मेमोरेंडम, विच बाई इट्स आर्टिकल्स डस थ्री प्रोविजन। पहला मैडम बताना चाहेंगे? याद है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, याद करेंगे अपन। याद है? याद है सर, पर अब नहीं आ रहे, पता नहीं कहां गायब हो गया। बैठो सर, आप बताओ। क्या बात है, वो तुमने देखा है ना, 3 idiots देखा है ना तुमने, उसे क्या बात है, वो जब डेफिनेशन समझाते हैं किसका, मशीन का। ठीक है, मेरी बात सुनो दोस्तों, 3 चीजें डालते हैं वो। पहला रेस्ट्रिक्ट्स द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, दूसरा लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200 एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओपीसी। सर ये एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओपीसी क्यों लिखा है? क्योंकि भाई 1% कंपनी में 200 मेंबर थोड़ी होंगे, तो 1% कंपनी में एक ही होते हैं, तो उसको हटा दो। उसके अलावा प्राइवेट कंपनी में कितने मेंबर्स होते हैं? 200। और तीसरा प्रोहिबिट द इनविटेशन फ्रॉम पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन फॉर सिक्योर सब्सक्रिप्शन टू सिक्योरिटीज। अरे समझे क्या? यस सर। लेकिन जब आप 200 का लिमिट काउंट करते हो, क्या काउंट करते हो? 200 का लिमिट काउंट करते हो तब एम्प्लॉइज, अच्छा ज्वाइंट शेयर होल्डर को
ज्वाइंट शेयर होल्डर को एक गिनोगे, दूसरा एम्प्लॉइज को काउंट नहीं करोगे। कौन से एम्प्लॉइज? करेंट एम्प्लॉयर, जो करेंट एम्प्लॉई है, अभी के एम्प्लॉई है, या जो पहले एम्प्लॉई थे और शेयर्स लिए, बाद में एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गया और अब वो शेयर्स दे कंटिन्यू टू होल्ड सच शेयर्स, तो उनको भी काउंट नहीं करोगे 200 के लिमिट में। मैंने क्या ट्रिक बताया था कि अगर एक एम्प्लॉई को जो आप शेयर्स इशू कर रहे हो वो एम्प्लॉयमेंट के वजह से इशू कर रहे हो तो फिर वो उसको मेंबर काउंट नहीं करोगे, अदरवाइज हर केस में काउंट करोगे। उसमें तुम जितने भी परमिटेशन कॉम्बिनेशन लगा लो, सर पहले खरीद लिया फिर बन गया फिर बेच दिया जो भी कर लिया, एक ही सवाल, जब तेरे को शेयर्स मिला क्या तू एम्प्लॉय था और क्या तेरे को एम्प्लॉय के कैपेसिटी में मिला? अगर दोनों का जवाब हाँ है तो तेरे को मेंबर के लिमिट में काउंट नहीं करेंगे। उसके बाद 268 के बाद क्या पढ़ा दोस्तों हमने? 271 क्या था? आप बताइए मैडम, पब्लिक कंपनी क्या है? बहुत डिफिकल्ट है। प्राइवेट कंपनी तो भी आसान था, पब्लिक कंपनी बहुत डिफिकल्ट है। बताओ व्हाट इज अ पब्लिक कंपनी? हाँ जी मैडम, पब्लिक कंपनी मींस अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, करेक्ट। और कुछ बताना चाहोगे? मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कितना होना चाहिए? एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो पब्लिक कंपनी मींस अ कंपनी अदर देन प्राइवेट कंपनी हैविंग सच मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब। प्रोविजो बता पाओगे? प्रोवाइडेड दैट करके कुछ लिखा हुआ था। सब हाथ नीचे करो, मेरी बात सुनो। मैंने तुमको प्रोवाइडेड दैट तो क्या लिखा हुआ था वो तो मैंने तुमको बताया, पर प्रोवाइजो क्या होता है? व्हाट इज अ प्रोवाइजो? कैन एनीवन टेल मी? प्रोवाइजो इज एन एक्सेप्शन। तो जब आप लॉ लिखते हो ना तो लॉ में कुछ कुछ चीजें होती है जहां पे आपने लिख तो दिया कि भैया ये प्रोविजन होना चाहिए, पर इनको समझ आता है कि भैया ये दिक्कत यहां पे ये है कि ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, तो हम लोग नीचे क्या बनाते हैं? प्रोवाइजो बनाते हैं। देखो प्रोवाइजो, फॉर एक एग्जाम्पल देता हूं, जैसे कि हमने अभी पढ़ा प्राइवेट कंपनी का, तीन चीजें जो आप अपने आर्टिकल्स में डालते हो, दूसरी वाली चीज क्या थी? एक्सेप्ट इन केस ऑफ वन पर्सन कंपनी लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200। उसको लिखने का एक दूसरा तरीका भी है, क्या? कि प्राइवेट कंपनी अपने आर्टिकल्स में लिखेगा दैट द नंबर ऑफ मेंबर्स शैल बी 200 प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ वन पर्सन कंपनी द नंबर ऑफ मेंबर्स शैल ओनली बी अप टू 1। अरे समझे क्या? यस और नो? यस सर। तो प्रोवाइजो इज नथिंग बट एन एक्सेप्शन टू द सेक्शन, मतलब वो आपके एक एक्सेप्शन बना करके उन्होंने डाले। सर जैसे प्रोवाइजो होता है ना, वैसे ही सेक्शंस के अंदर एक और चीज होती है कभी कभी, एक्सप्लेनेशन। व्हाट इज एक्सप्लेनेशन? क्लैरिफिकेशन। एक्सप्लेनेशन इज नथिंग बट क्लैरिफिकेशन, मतलब आपको लगा यार यहां पे ना हमको कुछ डिफाइन कर देना चाहिए, तो वो क्या करेंगे, लेकर के डिफाइन कर देंगे। जैसे कि उन्होंने ओपीसी लिख दिया, पर ओपीसी में मान लो उनको लगा मेरे को थोड़ी सी और क्लैरिटी देनी चाहिए, तो वहां पे क्या करेंगे, ओपीसी का डेफिनेशन लिख देंगे, एक्सप्लेनेशन लिख देंगे दैट फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन ओपीसी शैल मीन वन पर्सन कंपनी हैविंग वन मेंबर एज अ सोल मेंबर, जो भी इनको लिखना हो। पर एक्सप्लेनेशन क्या है, थोड़ा और समझाने की कोशिश करते ताकि कंफ्यूजन no. समझे क्या? यस और नो? यस। ये था सेक्शन 271, पर 271 का प्रोविजो क्या था बोलिए मैडम? इट इज प्रोवाइडेड दैट सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी इज डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी इवन इफ सच कंपनी कंटिन्यूज टू बी प्राइवेट कंपनी एज पर इट्स आर्टिकल। अगर तुम आर्टिकल से प्राइवेट कंपनी हो पर उसके बावजूद भी अगर आप एक पब्लिक कंपनी के सब्सिडरी हो तो हम आपको क्या मानेंगे? पब्लिक कंपनी मानेंगे। एग्जाम्पल क्या दिया था मैंने आपको? रिलायंस इंडस्ट्री और उसका सब्सिडरी रिलायंस जियो प्राइवेट लिमिटेड। तो रिलायंस जियो प्राइवेट लिमिटेड क्या बन जाएगा? पब्लिक कंपनी। तुमको लॉजिक से याद है? क्यों बोला था सर हमने ये? क्योंकि अगर तुम इस तरह का प्रोविजन नहीं डालोगे तो रिलायंस इंडस्ट्री अपना सारा काम कहां से करने लग जाएगा? एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के थ्रू, जो प्रॉब्लमैटिक है। यस सर। तो इसलिए इन्होंने प्रोविजन बनाया। तुमको समझा क्या? यस। चलो अब आगे बढ़ते। आपने ये चार्ट बनाया था, आपको याद है? इसमें आपका पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन हो गया, प्राइवेट का हो गया, वन पर्सन कंपनी का बहुत डिफिकल्ट है, अपन बाद में करेंगे, चलेगा ना तुमको? डेफिनेशन वन पर्सन कंपनी का क्या है? वन पर्सन कंपनी का डेफिनेशन, अ कंपनी हैविंग वन मेंबर एज इट्स सोल मेंबर इज अ वन पर्सन कंपनी। लिखेंगे भी नहीं अभी, तो बाद में लिखेंगे, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 में ओपीसी का पूरा डिस्कशन है। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखो, नोट्स खोलो अपने और हेडिंग लिखो अगला।
अब अपन करेंगे सर स्मॉल कंपनी. आपने स्मॉल कंपनी पहले वाली क्लास में हल्का सा डिस्कस किया है क्या? सुना है स्मॉल कंपनी पहले? यस ऑफ कोर्स. लिखो, कोई बता सकते हैं स्मॉल कंपनी कहां डिफाइंड है? सेक्शन टू बोल के रह गया एक बच्चा. वाह, तुम लोग मेरे साथ ही गेम खेलोगे. लिखो, सेक्शन टू क्लॉज 85 क्या डिफाइन करता है? स्मॉल कंपनी. दोस्तों हमारे कंपनीज एक्ट में ना, कंपनीज एक्ट में स्मॉल कंपनी को बतेरे एग्जेम्पशंस दे रखे हैं, बहुत सारे एग्जेम्पशंस दे रखे हैं. हमने बोला तुम अगर एक स्मॉल कंपनी हो ना तो तुमको बहुत सारे कंप्लायंसेस से क्या हो गई है, माफी मिल गई है. क्यों ऐसा? आपको पता है एक रिपोर्ट आया था. अरे आप 15 मिनट में एक बार हाथ उठाना मैक्सिमम, एक बार हाथ उठाए वैलिडिटी, 15 मिनट तक नहीं उठा सकते. ठीक है, मेरी बात सुनो, नहीं तो आप हर बार ऐसे ही करते रहोगे, उठना बैठना उठना बैठना सामने. सुनो मेरी बात दोस्तों, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना. आपको पता है इंडिया का ना, आज से 2 साल पहले एक रिपोर्ट आया था कि इंडिया जो है, आपको पता है मेड इन इंडिया का एफर्ट डाल रहे हैं कि हर चीजें इंडिया में बननी चाहिए, पर जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आपने सुना है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इंडिया में धंधा करने को आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम, पर कर तो कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन आज भी इंडिया में धंधा करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है. आज अगर तुम यूएस में जाओगे और यूएस, मान लो तुम यूएस में ही रहने वाले इंसान हो और तुमको यूएस में एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करना है, इट इज अ मैटर ऑफ 5 to 10 minutes टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी. बट इन इंडिया, इवन इफ यू आर इंडियन, यू वांट टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी, 3 to 4 days तो कम से कम लगेगा. वो भी 3 to 4 days तुम SBI के हिसाब से समझ लो, मतलब सैटरडे छुट्टी, संडे छुट्टी, लंच का छुट्टी, सब छुट्टी लेने के बाद तुमको 3 to 4 days लगेगा, तब जाके तुम्हारी कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी. उसके बाद इतने सारे कंप्लायंसेस, एक तो इनकम टैक्स का कंप्लायंस, जीएसटी का कंप्लायंस, चलो ठीक है, उसके बाद तुम्हारा पीएफ का कंप्लायंस, ग्रेच्युटी का कंप्लायंस, लेबर लॉ का कंप्लायंस, करोड़ों कंप्लायंस है. इज इट इजी टू डू बिजनेस? नो, इट इज नॉट इजी टू डू बिजनेस. अब मैं एक छोटा सा था बिजनेसमैन, मैंने बोला एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करेंगे, छोटी सी कंपनी, 50 lakh का टर्नओवर होगा, 5 lakh का प्रॉफिट होगा. टर्नओवर कितना होगा? 50 lakh, प्रॉफिट 5 lakh. बहुत बड़ी कंपनी है क्या? नहीं. अब मैं क्या कर रहा हूं, 5 lakh का प्रॉफिट है और मैं एक सीए हायर करके बैठा रहा हूं जिसको मैं क्या बोलूंगा, भाई मेरा कंप्लायंसेस कर दे भाई, तो वो सीए कितना रुपए लेगा? 6 lakh तो सीए मांगेगा साल का. तो मेरे को बताओ, अगर मैं 6 lakh रुपए सीए को दे रहा हूं कंप्लायंसेस के, तो मैं काम कैसे करूंगा, मैं धंधा कैसे करेगा? तो लॉ को भी ये चीज समझ आई ना, तो लॉ ने बोला एक काम करते हैं, कंपनीज एक्ट सारे कंपनीज को अप्लाई होती है, करेक्ट? यस. उसमें ना 2 companies में डिवाइड करो, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी. जो प्राइवेट कंपनी है उनसे हमको फर्क ज्यादा नहीं पड़ता, तो एक तो उनको बहुत सारी माफी दे दो. उसके बाद हमने बोला उसमें भी ना स्मॉल कंपनीज आइडेंटिफाई करो. स्मॉल कंपनीज मतलब जो छोटे, स्मॉल कंपनी मतलब क्या, जो छोटे गांव में बने हुए? अबे स्मॉल कंपनी मतलब एक लिमिट बताएंगे हम, अगर वो लिमिट के नीचे हो ना तुम, तो तुम स्मॉल कंपनी हो और तुमको और भी बहुत सारे एग्जेम्पशंस दे देंगे और तुमको क्या हो जाएगा, तुमको फायदा हो जाएगा. सर ये जो एग्जेम्पशंस मिलेंगे, ये कंपनीज, स्मॉल कंपनीज के लिए फायदा है कि नुकसान है? फायदा है. और हमारे लिए, हमारे लिए, हमारे लिए एज अ स्टूडेंट नुकसान है. क्यों? बोले एमसीक्यू डालेंगे ना, ए लिमिटेड हैविंग टर्नओवर इतना, पेड अप शेयर कैपिटल इतना, ये है, तुमको समझना पड़ेगा स्मॉल कंपनी है. उसके बाद बोलेंगे सेक्शन 92 एप्लीकेबल टू हिम. तुम बोलोगे साला 92 क्या था भाई, और 92 था क्या वो याद नहीं है, अब उसमें अप्लाई क्या करना है वो याद रहेगा क्या? तो इसलिए एमसीक्यू में ये लोग इसको ट्रिकी बनाने की कोशिश करते हैं. अब मेरी बात सुनो, स्मॉल कंपनी का पहले डेफिनेशन लिखते हैं, फिर उसके बाद अपन समझेंगे. स्मॉल कंपनी मींस अ कंपनी, स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी, देखना ध्यान से मैं क्या लिख रहा हूं, मीन्स अ कंपनी अदर देन, देखना ध्यान से क्या लिख रहा हूं, अदर देन पब्लिक कंपनी, अदर देन पब्लिक कंपनी हैविंग, पहला क्या मैं पेड अप शेयर कैपिटल को PUSC लिख दूं? क्या मैं पेड अप शेयर कैपिटल को PUSC लिख दूं? कंफर्टेबल हो? नहीं तो पेड अप शेयर कैपिटल लिख के ब्रैकेट में PUSC लिख लो. हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल नॉट एक्सीडिंग, ध्यान से सुनना प्लीज, मैंने जितना आराम से तुमको फर्स्ट डे बताया था ना, उतना इजी लॉ का लैंग्वेज नहीं है, पर मैं आपको लॉ का ही पूरा बेयर लैंग्वेज लिखवा रहा हूं, तो ध्यान से सुनना. पेड अप फॉर ग्रांटेड मत लेना कि तुमको स्मॉल कंपनी समझ आ गया. अभी मैं तुमको लॉ के बारे में कुछ नया समझाने वाला हूं. पेड अप शेयर कैपिटल नॉट एक्सीडिंग रुपीज
50 lakhs or such higher amount as may be prescribed, not exceeding ₹10 crores and point number B, turnover not exceeding 2 crores or such higher amount as may be prescribed, not exceeding ₹100 crores. बता दो क्या हुआ, ये डेफिनेशन थोड़ा ट्रिकी हो गया क्या? नहीं। क्या लिखा है, कोई मेरे को खड़े होकर समझा सकता है ये क्या लिमिट्स दे रखा है? यस मैडम, आप बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट। प्लीज बैठ जाइए, थैंक यू सो मच। कोई और एक जना जो समझाना चाहता है, कोशिश करो उसको प्रॉपरली फ्रेम करने की। आप बैठे बैठे बताइए मैडम। एक लिमिट फिक्स करनी पड़ेगी हायर अमाउंट की। नहीं होगी, ठीक है, ओके। दोस्तों, लॉ का इंटेंट क्या था? क्यों मुस्कुरा रहे हो? मेरे को भी जोक बताओ। ठीक है, सुनो मेरी बात दोस्तों। यहां पे ना स्मॉल कंपनी बनने के लिए इन्होंने क्या लिखा है, आपका पेड अप शेयर कैपिटल कितना होना चाहिए एक लिमिट से कम, और टर्नओवर कितना होना चाहिए एक लिमिट से कम। एक सेकंड यार, कैसे भूल गए? मेरे पीछे तीन चीजें रिपीट करोगे प्लीज? क्या मेरे पीछे तीन चीजें रिपीट करोगे? और अगर मैं भूल जाऊं तो याद दिला देना। आप याद दिला देना मैडम, ठीक है? मेरे को लगता है आप वही हो ना जो क्लास में टीचर को याद दिलाते हो। सर आप टेस्ट लोगे बोले थे, सर आप सरप्राइज टेस्ट लोगे बोले थे। सर अब मेरी बात, तीन चीजें मेरे पीछे प्लीज रिपीट करना। पहला, दिल से यार, प्लीज दिल से। मैंने क्या बोला, शुरू के 15 दिन एफर्ट्स डालेंगे, 16 दिन दिल, 16th डे दिल से आ जाएगा। पहला, प्लीज दिल से, ठीक है? पहला, आई विल स्टडी विथ इंटरेस्ट टू सिक्योर एग्जेम्पशन इन लॉ। दूसरा, आई विल गिव माई 200% इन दिस अटेम्प्ट। तीसरा, आई विल परफॉर्म बेटर देन एवरीवन एल्स। करोगे ना? Yes, पक्का? ठीक yes. है, चलो सुनो, वापस आ जाओ स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन में। स्मॉल कंपनी 285 में डिफाइंड है। दो चीजों पे इन्होंने लिमिट लगा रखी है, एक तो पेड अप शेयर कैपिटल और दूसरा टर्नओवर पे। अब दोस्तों इन्होंने क्या किया, आगे वाली चीज जो मैं लिख रहा हूं वो मत लिखना, तुमने जितना लिखना था वो तुमने लिख लिया। इन्होंने बोला भैया पेड अप शेयर कैपिटल ना तुम्हारा एक अमाउंट से कम होना चाहिए और टर्नओवर जो है ना वो तुम्हारा एक अमाउंट से कम होना चाहिए। ये अमाउंट प्रिस्क्राइब करने का पावर किसको दिया? सेंट्रल गवर्नमेंट को। पर मैंने तुमको बताया था सेंट्रल गवर्नमेंट इस पावर को मिसयूज कर सकता है, तो इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को एक रेंज भी फिक्स करके दे दिया कि भाई तू जब पेड अप शेयर कैपिटल प्रिस्क्राइब कर रहा है ना तो उसका रेंज होगा 50 लाख से लेकर के 10 करोड़ के बीच में कुछ भी, और जब तू टर्नओवर डिसाइड कर रहा है ना तो उसका रेंज होगा 2 करोड़ से लेकर के 100 करोड़ के बीच में कुछ भी। पर हमने एक रेंज डिफाइन करके दे दिया कि तुम उस रेंज के बीच में क्या करना, अपना लिमिट प्रिस्क्राइब करना। अब पहले मतलब पिछले साल तक लिमिट क्या हुआ करता था ये तुमको लिखने की जरूरत नहीं है। पिछले साल तक लिमिट इन्होंने प्रिस्क्राइब किया था पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ का और टर्नओवर 20 करोड़ का इन्होंने प्रिस्क्राइब किया था। सर क्या आप 2 करोड़ और 20 करोड़ प्रिस्क्राइब कर सकते थे? क्या 2 करोड़ और 20 करोड़ प्रिस्क्राइब कर सकते थे? यस, बिकॉज इट इज वेरी वेल विद इन द रेंज। यस और नो? यस। नाउ दे वांटेड टू इंक्रीज इट।
नाउ दे वॉन्टेड टू मेक एन अमेंडमेंट एंड इंक्रीज इट. तो इंक्रीज करके इन्होंने क्या किया, ये 2 करोड़ की लिमिट को बढ़ा करके 4 करोड़ कर दिया, और ये 20 करोड़ की लिमिट को बढ़ा करके 40 करोड़ कर दिया. क्या ये अभी भी रेंज के अंदर आ रहा है? यस सर. तो आप समझो लॉ ने एक बिगर रेंज दे दिया. उस रेंज के बीच में आप कोई भी अमाउंट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर प्रिस्क्राइब कर सकते हो. रेंज क्या है? 50 लाख से 10 करोड़. और टर्नओवर का रेंज क्या है? 2 करोड़ से 100 करोड़. पर एक्चुअल में प्रिस्क्राइब्ड क्या है? 4 करोड़ और 40 करोड़. तो मेरे को एक बात बताओ, हमारे लिए रेलेवेंट नंबर क्या है? 4 करोड़ और 40 करोड़. अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन, अभी गए वाले अटेम्प्ट में आया था, तुम देखो कितना प्रेडिक्टेबल होता है पेपर, कितना प्रेडिक्टेबल होता है. कभी कभी अगर कोशिश करो तो हमने 3 डेफिनेशन प्रेडिक्ट किए थे. एक तो स्मॉल कंपनी का, 3 सेक्शन, एक तो स्मॉल कंपनी का सेक्शन, एक लिस्टेड कंपनी का, और एक अपना CSR का. दो में तो अमेंडमेंट था. CSR में अमेंडमेंट था, स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन में अमेंडमेंट था, दोनों उठ करके आ गया. लिस्टेड कंपनी का डेफिनेशन, इनका नया नया फोकस गया था उस डेफिनेशन पे. कैसे पता चला सर नया फोकस गया है? क्योंकि इन्होंने RTP में डाला था, जो कि इतने समय तक नहीं डाला था. तो RTP में डाला तो समझ आ गया भाई इस पे फोकस गया, वो भी उठ करके आ गया एग्जाम में. तो पेपर थोड़ा सा लॉ का एटलीस्ट क्या हो जाता है? प्रेडिक्टेबल हो जाता है. पर अभी तो नया सिलेबस है भाई. और ICI का टैगलाइन जो लिखा हुआ नहीं है वो तुमको बताऊं, ICI का टैगलाइन है एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड. मतलब एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, मतलब 3 अटेम्प्ट तक वो भी तुमको देगा. जैसे पिछले 2 अटेम्प्ट से मेरा बैठ रहा है सब कुछ, एक दिन मेरे को भी फटका लगेगा, और रे जो मैंने बोला वही सब नहीं आया. तो ICI का ये टैगलाइन होता है कि तुम एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड करके चलो, कि भैया जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं, आ गया तो अच्छा है, पर नहीं आएगा तो फिर भी हमारे पास प्लान भी होना चाहिए. अब सर ये रेंज आपको समझ आया क्या? किसी को कंफ्यूजन है इस रेंज में? एनीवन? नहीं, ठीक है. अब मेरे को एक बात बताओ, इसके नीचे एक लिमिट, इसके नीचे एक लाइन लिखो. ये तो तुमने डब्बा नहीं बनाया ना, नीचे एक लाइन लिखो. एक्सरसाइजिंग एक्सरसाइजिंग इट्स पावर वाइड सेक्शन 2 क्लॉज 85 सेंट्रल गवर्नमेंट हैज प्रिस्क्राइब्ड the limits as follows: paid up share capital 4 crores, turnover 40 crores. ठीक है, अब इसके आगे लिखो, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस क्लॉज शैल अप्लाई टू पहला होल्डिंग कंपनी and subsidiary company, dusra section 8 company, teesra company formed under a special act, provided that nothing in this clause shall apply to holding and subsidiary company, section 8 company and a company formed under a special act. क्या मतलब है इसका, कौन समझाएगा? Yes boss, बोलो. It will not apply to, हाँ ठीक है. सिमिलरली सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट, ठीक है. दोस्तों मेरी बात सुनो प्लीज, इधर देखो मेरी तरफ एक ध्यान. दोस्तों मेरे को एक बात बताओ, मैं मान लो मैं बिजनेस करता हूं, मेरे बिजनेस का टर्नओवर है 1 लाख रुपए. सर कितना टर्नओवर है? 1 लाख रुपए का टर्नओवर है, और प्रॉफिट है 10,000 रुपए. तो मैं साल का कितना कमाता है? 10,000 रुपए. मेरे को बताओ, मैं बड़ा आदमी कि छोटा आदमी? मैं बहुत छोटा आदमी, बहुत छोटा आदमी. पर वहीं पे मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं, मेरे पापा, इसी के साथ मेरे पापा का भी हिसाब बता देता हूं आपको. पापा का टर्नओवर है बस 100 करोड़ रुपए, कमाते हैं बस प्रॉफिट 10 करोड़ रुपए.
मेरे को देते नहीं हालांकि, पर कमाते हैं 10 करोड़ रुपए। अब तुम मेरे को बताओ, जब तुम एक बार मेरे पापा का टर्नओवर और प्रॉफिट जान गए, तुमको लगता है क्या मैडम खो गए आप? कहाँ कहाँ गए? ओह कोई याद आया क्या? किसको घूर रहे थे? क्या कर रहे हो? सुनोगे तेरे को मैडम बोलूंगा, वो लड़का है बोलता मैं, तू ध्यान तो दे भाई, मैडम से शुरू किया। पांच छह दिन जाने दे, फिर बोलूंगा। सुनो मेरी बात सुनो दोस्तों, मैंने क्या कहा कि अभी तुमको जब मेरे पापा का टर्नओवर और प्रॉफिट पता चल गया, तुम बोलोगे क्या मैं छोटा आदमी? नहीं ना, क्योंकि तुमको पता है कि भैया इन्फ्लुएंस है। तो सिमिलरली अगर एक कंपनी है, मेरे को उसका टर्नओवर और प्रॉफिट नहीं पता, उसके नीचे एक सब्सिडरी कंपनी है, मेरे को उसका भी टर्नओवर और प्रॉफिट नहीं पता। अब तुम समझो कोई कंपनी है जो इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रखी है, दिस होल्डिंग कंपनी हैज इन्वेस्टेड इन दिस सब्सिडरी कंपनी, तुम कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, मतलब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। अरे तो जब इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रहे हो तो काय का स्मॉल कंपनी भाई, तुम्हारा टर्नओवर और या फिर पेड अप शेयर कैपिटल जो भी हो, तुमने किसी और के कंपनी में इन्वेस्ट किया ना, मतलब यू आर बिकमिंग अ होल्डिंग कंपनी। सो इन दैट केस हमने बोला तू होल्डिंग कंपनी अगर है, मतलब तू अपने आप में बड़ा है भाई, हम तेरे को स्मॉल कंपनी वाला बेनिफिट नहीं देंगे। दूसरा, सब्सिडरी कंपनी अगर हूं मैं, अगर मैं सब्सिडरी हूं और मेरे ऊपर किसी और का हाथ है और वो एक कंपनी है, तो लॉ ने बोला भैया तेरे ऊपर तो एक कंपनी का हाथ है, तेरा पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर चाहे जो भी हो, मैं तेरे को स्मॉल कंपनी का दर्जा नहीं दे सकता। हम क्यों छीन रहे हैं सर इनसे दर्जा? क्योंकि अगर ये लोग स्मॉल कंपनी हो जाते तो क्या इनको बहुत सारे एक्सेप्शन मिल जाते? हाँ, तो इन लोगों को कंप्लाइंसेस नहीं करना पड़ता? हाँ, हमने बोला कंप्लाइंसेस तुमको करना पड़ेगा, चाहे तुम्हारा पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर कम क्यों ना हो, फिर भी तुमको कंप्लाइंसेस करना पड़ेगा। दूसरा, सेक्शन 8 कंपनी, कोई मेरे को बता सकता है सेक्शन 8 कंपनी क्या होता है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्ट एंट्री वाले जिनको नहीं पता, सुनो व्हाट इज सेक्शन 8 कंपनी, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हमारा 1 से 1.5 घंटे का क्लास सेक्शन 8 कंपनी पे होगा, डोंट वरी, उसका पूरा डिटेल प्रोविजन हमारे इंटर में है। पर सेक्शन 8 कंपनी मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि अडानी, रिलायंस है ना, ये सब क्या है? दिस इज ऑल वी स्मार्ट, इट इज ऑल नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे प्रेस्टीज पॉइंट में जितने भी अकेडमी है सारे क्या है? एनपीओ है कि नहीं? है कि नहीं? सुनो, निकाल देंगे भाई मेरे को, फिर पढ़ते रहना तुम लोग। सुनो मेरी बात, एनपीओ है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब क्या? जिनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, जिनका ऑब्जेक्टिव होता है जो भी उन्होंने डिसाइड किया है, मान लो एजुकेशन का या फिर कोई और चीज प्रमोट करने का, तो वो ऑब्जेक्टिव प्रमोट करने का होता है, प्रॉफिट कमाने का ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। तो आपके जो सेक्शन 8 कंपनी होते हैं ना, उनके लिए पूरा अलग से लॉ बना हुआ है। तो हमने बोला भैया वो लॉ और ये स्मॉल कंपनी वाला लॉ मिक्स ना हो जाए, इसलिए हमने बोला हटा दो, सेक्शन 8 कंपनी को कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं बोलेंगे। तीसरा, कंपनी फॉर्म्ड अंडर एनी स्पेशल एक्ट, जैसे कि कोई भी आपका एलआईसी वेलआईसी हो गया, इनको भी कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं बोलेंगे। मतलब हम आपको स्मॉल कंपनी का बेनिफिट नहीं देने वाले। क्यों? क्योंकि तुमको कोई और गवर्न कर रहा है भाई, हमको बीच में घुस करके ज्ञान नहीं देना है, समझे क्या? यस सर। अब मैं आपसे 3 सवाल पूछूंगा, केस 1, केस 2, केस 3, 3 में से 1 सवाल का जवाब गलत दोगे, लगा रहे हो शर्त? आज थोड़ी सी हिम्मत आई है क्या शर्त लगाने की? बोलो लगा रहे हो क्या? चलो ठीक है, लिखो फिर, लिखो लिखो, केस 1, केस 2, केस 3, ए लिमिटेड, बी प्राइवेट लिमिटेड, सी प्राइवेट लिमिटेड, पेड अप शेयर कैपिटल, टर्नओवर, पहले लिमिट क्या था? 2 करोड़ और 20 करोड़ ना, हाँ, तो 1.5 करोड़, 15 करोड़, 3.5 करोड़, 1.5 करोड़, 15 करोड़, 3.5 करोड़, 35 करोड़, 4.5 करोड़, 45 करोड़। माई क्वेश्चन, इज इट अ स्मॉल कंपनी? विच ऑफ देम इज अ स्मॉल कंपनी? आप मेरे को ना पहले लिख लो अपने हिसाब से तीनों का आंसर, फिर बात करेंगे अपन। पहले क्वेश्चन लिख लो, फिर आंसर लिख लो, फिर बात करेंगे अपन। अपन केस 3 से शुरू करेंगे, अपन केस 3 से शुरू करेंगे। मेरे को बताओ केस 3 सोच लिया तुम लोगों ने? केस 3 ऑनलाइन वाले तुम भी बताओ रहे नलायको? केस
केस थ्री मेरे को बताओ, इट इज अ कंपनी नेम इज सी प्राइवेट लिमिटेड, पेड अप शेयर कैपिटल है 4.5 करोड़, टर्नओवर है 45 करोड़, इज इट अ स्मॉल कंपनी? इज इट अ स्मॉल कंपनी? नो, इट इज नॉट अ स्मॉल कंपनी, बिकॉज लिमिट क्या है 4 करोड़ और 40 करोड़। बी प्राइवेट लिमिटेड 3.5 करोड़ एंड 35 करोड़, इज इट अ प्राइवेट कंपनी? इज इट अ स्मॉल कंपनी? द आंसर इज यस। ए लिमिटेड 1.5 करोड़, इज इट अ स्मॉल कंपनी? कौन कौन यस बोल रहे है ना भाई, क्या बात कर रहे हैं यार ये लोग, यही दिक्कत होती है आगे बैठने की, पीछे वाले क्या कर रहे हैं पता ही नहीं चलता है। तो बोले सर यस, बोले क्यों? बीस करोड़ से कम है, हाँ वो लिमिट से, हाँ बैठ जाओ। द आंसर इज, अगर मैं बोलूं तुम सब गलत बोल रहे हो तो द आंसर इज, शर्त लगा लो देखो, नहीं मैं नहीं लगा रहा, मैं नहीं लगा रहा, द आंसर इज नो, इट इज नॉट अ स्मॉल कंपनी। आई विल टेल यू व्हाई, बिकॉज इट इज अ पब्लिक कंपनी, और पब्लिक कंपनी यहां पे सबसे पहला लाइन क्या लिखा है, स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी। तो मैं क्या ये बोल दूं कि स्मॉल कंपनी हमेशा प्राइवेट कंपनी होती है? अरे भैया तुम जैसे ही, क्यों क्यों ऐसा सर? क्योंकि हम स्मॉल कंपनी में आपको बहुत सारे एक्सेप्शन दे रहे हैं, और पब्लिक कंपनी में किसका पैसा लगा हुआ है? पब्लिक का। तो एक्सेप्शन कैसे देंगे तुमको? एक्सेप्शन नहीं दे सकते। कहां पे दे सकते हैं? प्राइवेट कंपनी में, इसलिए अदर देन पब्लिक कंपनी। चलो इतना ही कॉन्फिडेंस है ना, एक लास्ट केस का जवाब दे दो, ठीक है? चाहिए तो यहीं पर जगह बनेगा क्या तुम्हारा? केस फोर नहीं बनेगा, चलो नीचे ही लिख लो केस फोर। पेड अप शेयर कैपिटल, कंपनी का नाम है डी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है? पेड अप शेयर कैपिटल है 1 करोड़ लिमिट के अंदर, टर्नओवर है 45 करोड़ लिमिट के बाहर। मेरे को बताओ इज इट अ स्मॉल, अरे सोच के बताओ, हवा में मत बोलो। पेड अप शेयर कैपिटल 1 करोड़ है, अरे पर लिमिट से कम है ना? हाँ, ये देखो एक वर्ड हमने डब्बे में डाला है, एंड। एंड मतलब क्या? दोनों कंडीशन मीट होना चाहिए। तो यहां पे आपका आंसर आ जाएगा नो, इट इज नॉट अ स्मॉल कंपनी। व्हाई? बिकॉज बोथ द कंडीशंस हैव टू मीट। कोई है जिसका यहां पे मन नहीं माना? मैं आपको समझाने का मेरे पास एक और भी तरीका है। कोई है जिसको ऐसा लग रहा है, नहीं सर ये तो स्मॉल कंपनी होना चाहिए? एनी वन? नहीं, ठीक है सुन लो फिर भी। नहीं नहीं, इसीलिए क्योंकि ये प्रोविजन तुमको, ये जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं ये कभी भी काम आएगा। अगर तुम्हारे मन में ये चीज बैठ नहीं रही है, मान लो कि यार ऐसा क्यों, पेड अप शेयर कैपिटल तो कम है ना, टर्नओवर 45 करोड़ हो गया तो क्या हो गया, पेड अप शेयर कैपिटल तो कम है तो छोटी कंपनी है, तो तुमको कभी भी ऐसा कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी चाहिए ना तो एक्सट्रीम्स में जाना। एक्सट्रीम्स मतलब क्या? इसी एग्जांपल में मान लो पेड अप शेयर कैपिटल होता है 1 करोड़, लेकिन टर्नओवर होता 10,000 करोड़, तो 10,000 करोड़ का टर्नओवर वाली कंपनी को कभी स्मॉल कंपनी बोल सकते हो क्या? नहीं ना। तो जब आप इस तरीके के एक्सट्रीम्स पे जाओगे ना तो तुमको प्रोविजन क्लिक करेगा। ये तुमको ये इसके लिए नहीं बता रहा हूं, मैं एक जनरल कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। कभी भी लिमिट्स आएंगे ना सामने तो ना एक्सट्रीम्स पे खेल के देखना, तुमको बहुत क्लैरिटी आएगी कि भैया तुम्हारे हिसाब से प्रोविजन जो होना चाहिए वही लॉ में एक्चुअली में लिखा हुआ मिलेगा। अरे समझे क्या? पक्का मैडम? यस। चलो आगे बढ़ते, ये हो गया, बोलो। हाँ जाने दो, कौन सा अभी जो मैं बनाया इस पे छोड़ दो, जो चीज लॉ भी नहीं है, जो समझाने का पार्ट भी नहीं है, मैं तुमको एक्स्ट्रा समझाने के चक्कर में डाउट थोड़ी क्रिएट करूंगा, रहने दो। आगे चल के फिर से आएंगे ऐसे, जब आगे चल करके लिमिट्स आएंगे ना तो लिमिट्स में फिर से मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको एकदम लिमिट्स क्रॉस करने, तब जाके आपको प्रोविजन समझ आएगा। अभी छोड़ दो, छोड़ दे मैडम, यहां तक समझा? केस फोर का आंसर सही है आपका, ठीक है चलो आगे बढ़ते। स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन समझ गए, अभी मेरे तरफ देखो और मेरे साथ साथ एक बार रिपीट करो। एक बार, स्मॉल कंपनी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 85। दिमाग में याद हो जाना चाहिए, घर जाके याद करने का टाइम नहीं मिलेगा। ये तुमको समझ आ गया ना सर? तो अपने को यही क्लास में याद करके जाना है। 2 क्लॉज 85 बात करते हैं स्मॉल कंपनी के बारे में। स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन प्राइवेट कंपनी, तुम बताओगे मेरे को? फिर ठीक है, तो अदर देन पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल नॉट एक्सीडिंग ₹50 लाख और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड नॉट एक्सीडिंग 10 करोड़ एंड
turnover not exceeding rupees 2 crore and such higher amount as may be prescribed not exceeding rupees 100 crore. जो चीज मैंने अभी बताई, जो तुमने अभी लिखी, वही चीज अभी याद नहीं है. क्या यहां से हम एक क्लियर अजम्पशन निकाल सकते हैं कि क्लास एग्जाम में भी घंटा याद नहीं आने वाला? क्या ये क्लियर अजम्पशन? नहीं सर, आप तो फेर है भाई. अगर मैं आज लिखा और उसके बाद मैं 15 दिन तक इसको नहीं देखूंगा ना, मैं खुद भी भूल जाएगा. तो अपन एग्जाम में क्या लिख के आएंगे? हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल नॉट एक्सीडिंग 4 crores एंड टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग 40 crore. मैंने कुछ गलत लिखा क्या? मैंने कुछ गलत लिखा क्या? नहीं ना. तो आपको मार्क्स मिलेंगे, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे. मेरे को याद दिलाना कल, आई विल ब्रिंग पेपर ऑफ अ स्टूडेंट हु स्कोर्ड 83 मार्क्स. उससे स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन लिखा. स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन में यही लिखा, पेड अप शेयर कैपिटल नॉट एक्सीडिंग सच अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब एंड टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग सच अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब. फिर उसने नीचे लिखा सेंट्रल गवर्नमेंट हैज प्रिस्क्राइब एन अमाउंट ऑफ 4 crore and 40 crore. उसको पूरे मार्क्स मिले, पूरे मतलब 4 में से 3 पूरे. इससे ज्यादा क्या मांग रहे हो भाई? अकाउंट्स का पेपर थोड़ी है कि बैलेंस शीट मैच हो गया, पूरे नंबर दे. नहीं देगा तुमको. 4 में से 3 नंबर उसको मिल गए. तो आपका पेड अप शेयर कैपिटल 4 crore और टर्नओवर, बोलो ना मैडम, टर्नओवर 40 crore. समझे क्या? यस. पर तीन कंपनीज कभी भी, अभी मैं पूछूंगा किसी को, तुम लोग बहुत हो गया तुम्हारा. एक सेकेंड, पहले कोई भी क्लास में बचा कुचा इंसान डेमो वाला है? अरे नहीं, बाहर भेजूंगा भाई, हाथ उठा लो. ऐसे नहीं कि वहां जाके बैठ. कोई भी इंसान डेमो वाला है क्या? एक और सब अपने, ठीक है. अब मेरी, तू भी अपना ही है. अभी मैं इनको डांट सकता हूं. मैं, सुनो, फीस वापस नहीं मिलेगी. सुनो मेरी बात भैया, आप खड़े हो जाइए. सर आप, आपके बाजू वाला, ये प्रॉब्लम बड़ी होती है. जिसको बोलो ना, वो आंखों से आंखें मिला के इग्नोर कर देता है. उसको पता है उसको बोल रहा हूं. नहीं नहीं, आपके सामने वाले के बाजू वाला. हाँ, आपके बाजू वाला. तो पूछ तो सही, मैं बोल रहा, मेरे को बोल रहे हो क्या? सर बताओ कौन से तीन कंपनीज है जो स्मॉल कंपनी नहीं है? पब्लिक कंपनी. प्राइवेट कंपनी. प्राइवेट कंपनी स्मॉल कंपनी है. और मेरे को पता है भाई, कौन नहीं सुन रहे हो खड़े में, आपको थोड़ी पूछूंगा. मेरे को नहीं पता क्या? मैडम आप बताइए. यस, होल्डिंग कंपनी एंड सेक्शन 8 कंपनी. कंपनी फॉर्म्ड अंडर स्पेशल एक्ट. होल्डिंग कंपनी के साथ क्या आता है? सब्सिडरी कंपनी. तो कौन से तीन एक सेकेंड सर, क्या हुआ? हाँ, याद नहीं आया, पर सुने थे, याद किए थे. ठीक है, चलो बैठ जाओ. शुरू के 5 दिन तक 7 खून भी माफ है भाई तुम्हारे, उसके बाद खून होंगे, माफ नहीं होंगे. मेरी बात सुनो दोस्तों, क्या कहा मैंने? 3 चीजें. पहला होल्डिंग है. एक बार YouTube के लेक्चर्स बंद होने दो, फिर बात करेंगे अपन. ऐसा नहीं है, मजाक कर रहा हूं. नहीं नहीं कर रहा हूं, सुनो मेरी बात. क्या कहा मैंने? मैंने कहा आपका जो स्मॉल कंपनी है, स्मॉल कंपनी में 3 कंपनी कभी भी नहीं आते. सबसे पहला होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, दूसरा सेक्शन 8 कंपनी, तीसरा कंपनी इज फॉर्म्ड अंडर एनी स्पेशल एक्ट. ये तीनों जो है, ये तीनों के तीनों कभी भी स्मॉल कंपनी में नहीं आते. अब सर आगे बढ़ते हैं. अब हमारा, प्लीज समझना, ये सब जो हम शुरू शुरू के क्लासेस में कर रहे हैं, वी आर मूविंग वेरी स्लो. स्लो इन द सेंस, आराम से एक एक छोटे छोटे सेक्शन को पकड़ करके हम आराम से कर रहे हैं. बट हमारी क्लास की पेस बहुत अच्छी बिल्ड होगी धीरे धीरे. बट एट द सेम टाइम समझो कि बेसिक कॉन्सेप्ट एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद खत्म हो जाएंगे. फिर धीरे धीरे हमारा लेवल बढ़ेगा और यहाँ पे इंटर लेवल पे आपको बहुत सारी नई नई चीजें सीखनी पड़ेगी. तो मेरे साथ साथ आगे बढ़ना. कहीं पर भी अगर मैं आगे बढ़ जाऊं और तुमको लगे अरे मेरे को ये नहीं समझा, प्लीज क्लास के बाद आकर के मेरे से क्लियर करवा लेना. मान लो क्लास के बाद तुम्हारे पास भी टाइम नहीं होता है, तो मेरे थोड़े दिन में आप लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा, एक टेलीग्राम ग्रुप बन जाएगा. ऑनलाइन वालों, तुम लोगों के साथ सबका एक टेलीग्राम ग्रुप बनेगा. उस ग्रुप में मेरा नंबर होगा, सबके पास मेरा नंबर होगा. मेरे को एक DM कर देना कि सर मेरा ये डाउट है. पर उस डाउट को उसी दिन क्लियर करके आगे अगर चलोगे तो क्या होगा? तुम मेरे साथ साथ आगे बढ़ोगे. पर किसी दिन अगर ढील छोड़ दी ना कि मेरे को तो नहीं समझ आया भाई, तुम क्या बोलोगे? मेरे को तो नहीं समझ आया. ले 500 में एक बच्चा बोल दिया मेरे को सर ने अच्छा नहीं पढ़ाया. चल ठीक है, किसका नुकसान?
मेरे अच्छा नहीं पढ़ाने से किसका नुकसान? तुम्हारा। तुम्हारा मतलब किससे होना चाहिए कि मैं क्लास के साथ साथ आगे बढ़ रहा हूं, हाँ कि नहीं? यस, तो मेरे को पकड़ करके पूछ लेना। पर अभी धीरे धीरे अपन लेवल इंक्रीज करेंगे। सबसे पहले शुरू करते विद द डेफिनेशन ऑफ अ होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। हेडिंग डालो, होल्डिंग सब्सिडरी एंड एसोसिएट कंपनी। होल्डिंग सब्सिडरी एंड एसोसिएट कंपनी। बोलिए मैडम। चलेगा। सुनो दोस्तों, सबसे पहले अपन सब्सिडरी कंपनी का डेफिनेशन लिखेंगे। कोई बता सकता है सब्सिडरी कंपनी कहां डिफाइंड है? टू क्लॉज 85 अभी तुमने पढ़ा, वो क्या था? स्मॉल कंपनी। आपको पता है क्या कि जो डेफिनेशंस हैं वो सारे अल्फाबेटिकली अरेंज है, मतलब ए से शुरू होता है और आपका लास्ट तक जाता है, वी तक जाता है। तो यहां पे भी आपका स्मॉल कंपनी था 285, उसके दो कदम बाद यानी कि 287 में क्या डिफाइंड है? सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी कंपनी का डेफिनेशन लिखो। पहले अपन डेफिनेशन लिखेंगे फिर उसका पोस्टमार्टम करेंगे। लिखो सब्सिडरी कंपनी इन रिलेशन टू any other company means a company in which the holding company uske baad do part aayega controls the composition of board of directors or exercises more than half of total voting powers. Exercises more than half of total voting powers. नीचे लिखो, सर ने क्वेश्चन पूछा, पहले एक लाइन लिखो, प्रोवाइडेड दैट नो होल्डिंग कंपनी शैल हैव मोर देन सच लेयर्स ऑफ सब्सिडरीज as may be prescribed. No holding company shall have more than such layers of subsidiaries as may be prescribed. ठीक है, लिख लिया सर, लिख लिया आप लोगों ने, ठीक है। अब पोस्टमार्टम करें, क्या लिखा हुआ है? 287 सब्सिडरी कंपनी क्या होता है? मेरी तरफ ध्यान दो सर, आपको सिंपल मतलब पता है क्या सब्सिडरी कंपनी का? होल्डिंग और सब्सिडरी का मतलब क्या है? जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री है और रिलायंस जियो है, तो रिलायंस इंडस्ट्री होल्डिंग कंपनी हो गई, रिलायंस जियो सब्सिडरी हो गई। हमारा नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग क्या है? अगर आधे से ज्यादा शेयर होल्डिंग है, क्या हम ये बेसिक समझते हैं कि मोर देन 50% शेयर होल्डिंग, हाँ कि नहीं? यस सर। तो यहां पे भी वैसा ही डेफिनेशन दिया हुआ है। इन्होंने क्या लिखा है? सब्सिडरी कंपनी इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी। इन रिलेशन टू एनी अदर मतलब क्या? तुम अगर सब्सिडरी हो तो सामने कोई और होल्डिंग कंपनी भी है ना। अगर मैं बोल रहा हूं मैं पति हूं किसी का, तो सामने कोई और भी तो होनी चाहिए ना। मैं हवा में थोड़ी घूम सकता हूं ऐसे अपने आप को, मैंने नाम लिख लिया अपना पति, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो आप जब सब्सिडरी कंपनी का, होल्डिंग कंपनी का, एसोसिएट कंपनी का डेफिनेशन पढ़ोगे, इट विल ऑलवेज बी इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी। सो सब्सिडरी कंपनी इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी मींस अ कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी इधर, जोर से बोलो, फिर से कोशिश करेंगे, सब बोलेंगे, पहले बोलो जोर से, पहला पॉइंट और सबसे पहले बात करते हैं कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मैंने तुमको पहली क्लास में समझाया था कि कंपनी एक ऐसा यूनिक स्ट्रक्चर होता है जहां पैसे किसी और के लगे हैं और कंपनी चला कोई और रहा है। चलाने वाला कौन?
कंपनी चलाने वाला कौन? डायरेक्टर्स। सारे डायरेक्टर्स को इकट्ठा कर दो ना, तो उनको क्या बोलते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मैं अकेला डायरेक्टर, मान लो दो और डायरेक्टर है, तीनों को मिला करके हम क्या बोलेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कंपनी में पैसे तुम्हारे लगे, चलाता बोर्ड है। अब सवाल यह है कि अगर मैं आपको बोलूं ये रिलायंस इंडस्ट्रीज है और ये रिलायंस जियो है, ठीक है, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना, लिखना मत, ये रिलायंस इंडस्ट्री और रिलायंस जियो है, प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अगर मैं बोलूं कि रिलायंस इंडस्ट्री जो है ना, रिलायंस जियो का 27% शेयर होल्ड करता है, कितना? 27% शेयर। मेरे को बताओ क्या रिलायंस जियो रिलायंस की सब्सिडरी हो गई? नहीं। क्या रिलायंस जियो रिलायंस की सब्सिडरी हो गई? नहीं। पर इन दोनों के बीच में ना एक अग्रीमेंट है। क्या है अग्रीमेंट? उसमें क्या लिखा हुआ है कि रिलायंस जियो का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 5 लोग बैठेंगे। कितने लोग? 5 लोग। पर ये 5 में से 3 लोगों को ना रिलायंस इंडस्ट्रीज बैठाएगा। कौन बैठाएगा? रिलायंस इंडस्ट्री जो है ना, ये 5 में से 3 लोग को बैठाएगा। क्या फर्क पड़ जाएगा सर उससे? होगा क्या कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कंपनी को चलाता कौन है सर? बोर्ड। मतलब रिलायंस जियो को चलाएगा कौन? बोर्ड। बोर्ड का डिसीजन कैसे होता है? मेजॉरिटी से, मतलब आधे से ज्यादा लोग हाँ बोले तो होगा, नहीं बोले तो नहीं होगा। पर 5 में से 3 लोग किसके हैं? रिलायंस के। रिलायंस जो बोलेगा वही होगा। तो भले तुम्हारे पास आधा से ज्यादा शेयर होल्डिंग नहीं है, पर फिर भी तुम क्या कर रहे हो? तुम बोर्ड के कॉम्पोजिशन को कंट्रोल कर रहे हो। तो उस केस में तुम्हारे पास इनडायरेक्टली पावर आ गया कि नहीं? हाँ। और अगर पावर आ गया तो लॉ ने बोला होल्डिंग और सब्सिडरी का रिलेशन एस्टैब्लिश हो जाएगा। पहले के जमाने में, यानी कि किसके जमाने में? भीड़े भाई के जमाने में। भीड़े भाई के जमाने में ना ये वाला प्रोविजन नहीं था, कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड की बात नहीं थी इन द एक्ट 1956, जो पहले वाला एक्ट था। अभी जो 2013 वाला एक्ट आया ना, उसमें इन्होंने ये चीज डाली, क्योंकि इन्होंने ऑब्जर्व किया कि भैया होल्डिंग सब्सिडरी के रिलेशन से बचने के लिए लोग क्या करते थे, 49% पे शेयर होल्डिंग ला के रख देते थे, 49 के ऊपर जाने ही नहीं देते थे, पर बोर्ड को पूरा कंट्रोल करते थे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पूरा उनके ताकत में है। तो यहां पे लॉ ने बोला कि कुछ लिखवाए हैं क्या, हमको भी समझ आता है, और उन्होंने क्या प्रोविजन डाल दिया, अब तुम अगर शेयर होल्डिंग नहीं भी रख रहे हो पर बोर्ड का कॉम्पोजिशन तुम अगर कंट्रोल कर रहे हो ना, तो तुम्हारे बीच में होल्डिंग और सब्सिडरी एस्टैब्लिश हो जाएगा। अरे समझे क्या? यस। तो पहला क्या हो गया? कंट्रोल्स द कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड। बीच में क्या वर्ड लिखा है? जोर से बोलो। एंड नहीं लिखा है, मतलब दोनों कंडीशन की जरूरत नहीं है, इधर दिस और दिस। दिस क्या है सर? एक्सरसाइजेस मोर देन हाफ ऑफ टोटल वोटिंग पावर। सर क्या एग्जाम में हम हाफ के जगह 50% लिख ले? 50% लिख सकते हो? लिख सकते हैं, लिखना पड़ेगा, हम भगवान तो है नहीं, जो एग्जाम में याद आएगा वही लिखेंगे। पर ना एक बार आपके अभी इसके पिछले वाले अटेम्प्ट के आरटीपी में एक क्वेश्चन आया था कि एक स्पेशल रेजोल्यूशन नाम की चीज होती है, तुमने सुना होगा कभी, ठीक है? तो पूछते हैं सर, हाय, कहाँ, क्या क्या, कहाँ खो गए? हाँ सुनो मेरी बात, स्पेशल रेजोल्यूशन नाम की एक चीज होती है, उसके लिए उन्होंने क्या लिखा? स्पेशल रेजोल्यूशन शैल बी पास्ड। कितना इजी क्वेश्चन है। स्पेशल रेजोल्यूशन शैल बी पास्ड व्हेन अप्रूव्ड बाय ए 75%, बी 50%, सी 100%, डी 3/4। ये एमसीक्यू आया था एग्जाम में, 75% या 3/4, क्या लिखोगे सर आंसर? क्या 75% जो तुम बोल रहे हो ना, वो तुम्हारा इमोशन है, वो लॉ नहीं है। लॉ में क्या लिखा है पता है? डू यू नो व्हाट इज रिटन इन लॉ? लॉ में लिखा है दैट व्हेन द वोट्स इन फेवर is 3 times of the votes in against, in such case SR is passed. कौन सा 75%? कौन बोला तुमको 75%? ऐसा कुछ लॉ में नहीं लिखा है। पर ये क्वेश्चन से मैं तुमको क्या समझाना चाह रहा हूं, जब इंस्टीट्यूट ने अपने ऑप्शन में ए और डी डालने की हिम्मत करी, मतलब तुम सोचो जब ये लोग डिसाइड करेंगे कि इस बार तो लॉ में लॉ लगेंगे, तो ये लोग कैसा पेपर सेट करेंगे तुम सोचो, क्योंकि इट इज वेरी इजी टू डू दिस काइंड ऑफ स्टफ। तो अब सर हम लोगों की कोशिश क्या होनी चाहिए, जहां 1/2 लिखा है वहां हम हमेशा 1/2 लिखेंगे, मतलब याद करते वक्त भी 1/2 लिखेंगे, प्रैक्टिस में भी 1/2 लिखेंगे, मॉक टेस्ट में भी 1/2 लिखेंगे, भले एग्जाम में क्या हो जाए फिर वो 50% हो जाए, फिर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने कोशिश करी। पर हमारी कोशिश क्या रहेगी सर? जहां 1/2 लिखा है वहां पे 1/2 लिखेंगे। अब सर इन्होंने क्या लिखा है? एक्सरसाइजेस मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर।
ठीक है, मतलब आधे से ज्यादा कंट्रोल है आपके पास। कोई मेरे को समझा सकता है व्हाट इज टोटल वोटिंग पावर? यस मैडम, ठीक है, शेयर होल्डर जिसके पास। सर क्या आपको किसी को पेड अप शेयर कैपिटल और वोटिंग पावर में डिफरेंस पता है? बोलिए। बट ठीक है, ओके यू नो इट, ओके ठीक है, ओके मेरी बात सुनो दोस्तों, इधर देखो। हेलो सर, कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखोगे? आज तक आपने बचपन से पेड अप शेयर कैपिटल सुनते आया है, ये टोटल वोटिंग पावर क्या आ गया अचानक से? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेड अप शेयर कैपिटल एंड वोटिंग पावर? उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आपका, आपको पता है शेयर कैपिटल का स्ट्रक्चर क्या होता है? ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब, क्या होता है पता है? एक बार अपने नोट्स में स्क्रिबल करना मेरे साथ, स्क्रिबल मतलब तुम्हारे फेयर नोट्स में ही जो मैं लिखूंगा लिख लेना, पर मेरे स्क्रीन की तरफ ध्यान दो। सबसे पहले क्या आता है सर? व्हाट इज द बिगेस्ट शेयर कैपिटल? सबसे पहले क्या आता है? क्या मैं बोलूं सबसे पहले आता है ऑथराइज शेयर कैपिटल। व्हाट इज ऑथराइज शेयर कैपिटल? ऑथराइज शेयर कैपिटल मतलब एक कंपनी जब कंपनी इनकॉर्पोरेट करती है ना तो दो डॉक्यूमेंट्स बनाती है, कल बताया था मैंने आपको, एक मेमोरेंडम और एक आर्टिकल्स। बचपन में आपने पढ़ा है, डायरेक्ट एंट्री वालों जिन्होंने नहीं पढ़ा सुनना, क्या पढ़ा है आपने कि मेमोरेंडम में आप छह चीजें डालते हो, जैसे कि आप कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का स्टेट ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है, कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या है, और उसके बाद एक और चीज डालते हो, व्हाट इज द ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। ऑथराइज शेयर कैपिटल मतलब मैं कितना पैसा मार्केट से इशू करके ले सकता हूं, ये मैक्सिमम लिमिट होता है। मान लो मैंने अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट करी जिसका ऑथराइज शेयर कैपिटल मैंने रखा 10,000 रुपए। तुमको अगर पैसा ये कम लग रहा है तो रुपीज इन करोड़ लिखा हुआ है ऊपर, मान लो रुपीज इन लाख करोड़, जाओ बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, रुपीज इन लाख करोड़, 10,000 रुपए का मैंने ऑथराइज शेयर कैपिटल रखा। इसके बाद क्या आएगा? अब मैंने 10,000 का, मैं सर ये 10,000 मतलब क्या, मैं कभी भी पब्लिक से ना 10,000 करोड़ रुपए तक ले सकता हूं, 10,000 करोड़ रुपए तक ले सकता हूं। मैं क्या कंपनी खोलते ही पूरा पैसा ले लूंगा क्या? नहीं, मैं शुरू धीरे से करूंगा। तो मान लो मैंने पहले शुरू किया 8,000 करोड़ से, कितने से? मैंने मार्केट से 8,000 करोड़ मंगवाया, इसको क्या बोलते हैं? इशूड की सब्सक्राइब्ड, इसको बोलते हैं इशूड शेयर कैपिटल। मतलब इतना शेयर कैपिटल मैंने क्या किया, मार्केट में इशू किया कि भैया 8,000 करोड़ लेने के लिए मैं तैयार हूं, तुम लोग आकर के मेरे को 8,000 करोड़ रुपए दे दो। मैं मार्केट में 8,000 करोड़ मांगने जाऊंगा तो मेरे को पूरे 8,000 करोड़ मिल जाएंगे क्या? डिपेंड करता है सर, अगर कंपनी बहुत अच्छी है तो लाइन लग जाएगी। जैसे कि तुमको पता है ना, तुम अगर थोड़ा सा भी स्टॉक मार्केट के बारे में सुनते होगे तो कभी कभी आता है कि इसका आईपीओ 100 times ओवर सब्सक्राइब हो गया है, इसका आईपीओ इतने टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो गया है। ये सब क्या होता है कि तुम्हारे लिए लाइन लग गई। पर आज अगर एक कंपनी नाम से आए, सत्यम लिमिटेड करके कंपनी आए, क्या लिमिटेड, सत्यम लिमिटेड, और बोले मैं 8,000 करोड़ मांग रहा हूं, उसको पूरे पैसे मिलेंगे क्या? नहीं ना। तो मान लो कितने मिले, मान लो हमने 8,000 करोड़ मांगा पर हमको मान लो 7,500 करोड़ मिले, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये हमारा नेक्स्ट ब्लॉक हो गया। ये क्या हो गया? सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। अब सर सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल में क्या हो गया, तुम लोगों ने बोला 7,500 करोड़ देंगे, हमने बोला डन। मेरा टोटल लिमिट कितना था? 10,000 करोड़। मैंने मांगा 8,000, तुमने दिए 7,500। अब क्या मैं 7,500 पूरा मंगवा लूं? मैं बोलूंगा पूरा मंगवा भी सकता हूं, या फिर मैं ये भी बोल सकता हूं कि मेरे को अभी पूरे 7,500 करोड़ 7,500 करोड़ की जरूरत नहीं है, हम पार्ट पार्ट में मंगवाएंगे। तो मैंने क्या किया, मान लो इसमें से मैंने 5,000 करोड़ मंगवा लिया, कितना? 5,000 करोड़। तो वो 5,000 करोड़ को क्या बोलेंगे? Now you will split this into two part. One part will be called up capital and the other part will be uncalled capital. तो मैंने called up capital में कितना मंगवा लिया, मान लो मैंने 5,000 करोड़ मंगवा लिया, तो uncalled capital कितना है? 2,500 करोड़। ओके, अब सर ऐसा मान लो जब मैंने बोला लाओ 5,000 करोड़ दे दो, सर आपका नाम क्या है? चेतन। तो चेतन ने बोला, चेतन ने क्या बोला जब उसको नोटिस आया कि भाई पैसे भेज दे, तो बोले पैसे भरने थे क्या? नहीं, मेरे को तो लगा था बस अप्लाई करने, मैंने अप्लाई कर दिया, अब मैं पैसा नहीं भरूंगा। क्या ऐसे भी नमूने निकलेंगे? हाँ, तो ऐसा थोड़ी है कि जब तुम 5,000 करोड़ मंगवाओगे तो पूरे 5,000 करोड़ आ जाएंगे, नहीं आएंगे, कोई तो भी पैसा रोक लेगा। तो यहां पर सीन ये समझ लो कि आपके पास 4,500 करोड़ आ गए, 4,500 करोड़ आ गए और 500 करोड़ नहीं आए, इनको क्या नाम दूं मैं?
जो पैसा आ गया उसको मैं बोलूंगा पेड अप शेयर कैपिटल, और जो पैसा नहीं आया कॉल्स इन अरियर। नाम तो सुना ही होगा, ये आपका कॉल्स इन अरियर है। ये आपके पूरे शेयर कैपिटल का स्ट्रक्चर होता है, एक बार नोट्स में लिख लो ताकि आपको फ्लो सही रहे आपका। क्या ऑथराइज होता है, क्या इश्यूड होता है? सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप, पेड अप, कॉल्स इन अरियर्स। ऑनलाइन वाले लिख के हो जाए तो एक डन का मैसेज डाल देना। समझे? हो गया? अब मेरे को बताओ, ये जब तुम समझ गए, अब मेरे को ये बताओ, लिख रहे हैं, रुक जाओ। ठीक है, सुनो सर, ये पेड अप शेयर कैपिटल तो आप समझ गए, अब मेरे को ये बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेड अप शेयर कैपिटल एंड टोटल वोटिंग पावर? What is the difference between paid up share capital and total voting power? What is the difference? It is a very important difference, क्योंकि तुमको law में कहीं पे paid up share capital दिखेगा और कहीं पे total voting power दिखेगा। तुमको दोनों में फर्क पता होना चाहिए कि what is the difference, and it is not easy, so listen to me very carefully। सुनोगे तो तुमको समझ आ जाएगा। तुमको एक practical case के साथ बताता हूँ, ठीक है? आपको पता है there is a company called as Tata Motors। यू समझना कि Tata Motors के पास ना कुछ ऑर्डिनरी शेयर्स इशू किए थे। क्या इशू किए थे? ऑर्डिनरी शेयर्स। एक तो पब्लिक के लिए था और एक रतन टाटा जी के पास था। रतन टाटा जी के पास कितने शेयर्स थे? मान के चलो कि उनके पास थे 10,000 शेयर्स और एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का, तो टोटल 1,00,000 रुपया, ठीक है? और बाकी पब्लिक के पास कितना था? पब्लिक के पास 5,000 शेयर था और एक शेयर कितने का? 10 रुपए का, तो टोटल कितना हो गया? 50,000। 5,00,000 नहीं रहे, 50,000। सर आप समझे क्या? आज के डेट में ऑर्डिनरी शेयर्स रतन टाटा जी के पास कितने हैं? 1,00,000 रुपए के, और पब्लिक के पास 50,000 रुपए का। प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना। तो अगर मैं पूछूं कि इस कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू कर रखे हैं कंपनी ने टोटल 15,000 शेयर इशू कर रखे। कितने? 15,000 शेयर। और कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल कितना है? मान लो ये पेड अप शेयर कैपिटल है, तो टोटल पेड अप शेयर कैपिटल कितना हो गया? 1.5 लाख का। अब मैं अगर पूछूं आपसे कि कंपनी का वोटिंग पावर कितना है, तो आप पूछोगे सर ये जो ऑर्डिनरी शेयर्स है इनके एक शेयर पे कितना वोट होता है? तो आपको पता है एक शेयर पे एक वोट होता है, तो यहां पे इनका वोटिंग राइट्स कितना है, वोटिंग पावर? ये वाले शेयर होल्डर का 5,000 और ये वाले शेयर होल्डर का 10,000, तो टोटल वोटिंग पावर कितना हो गया? 15,000। तो ये तो सर सारी चीजें सेम है, आपका वोटिंग पावर भी हो गया इतना और आपका पेड अप शेयर कैपिटल भी इतना, तो प्रोपोर्शन भी निकालोगे तो सेम निकलेगा। मतलब इसके पास 2/3 वोटिंग पावर है और इनके पास 1/3 वोटिंग पावर है, हाँ कि नहीं? यस। अब तुमको पता है, एक वो स्टोरी सुनी है तुमने कि रतन टाटा जी एक बार जैगवार के शोरूम में गए तो उनको वहां से बाहर निकाल दिया, तो उन्होंने गुस्से में आकर के जैगवार लैंड रोवर को खरीद लिया। ऐसी कहानी सुनी है तुमने? हुआ है कि नहीं? अरे पागल हो गया, इतना बड़ा बिजनेसमैन ईगो में आकर के ऐसे कंपनी खरीद लेगा क्या? नहीं। 2008 की बात है। कब की? 2008 की बात है। तुमको पता है रिसेशन आया था 2008 में, एक बहुत बड़ा रिसेशन आया था। रिसेशन मतलब क्या? इकोनॉमी का डाउनफॉल आया था, और सबसे ज्यादा बड़ी हिट हुई थी यूएस की इकोनॉमी, जो एकदम धड़ से नीचे गिरी थी। जब यूएस की इकोनॉमी हिट हुई थी ना, तो जैगवार लैंड रोवर के मालिक ने सामने से रतन टाटा जी को अप्रोच किया, बोले हमारी कंपनी सर्वाइव नहीं कर सकेगी और पूरी डूब जाएगी।
हमारी कंपनी को खरीद लो, खरीद करके तुम इंडिया में क्या कर लो, इंडिया में जगुआर लैंड रोवर का पूरा बिजनेस बैठा लो, यू विल बी इन अ वेरी गुड पोजीशन। और उन्होंने एक बहुत सॉलिड प्राइस ऑफर किया रतन टाटा जी को। तो रतन टाटा जी ने बिजनेस डील के हिसाब से इवैल्यूएट किया और उनको समझ आया इट इज अ वेरी नाइस डील टू बाई जगुआर लैंड रोवर। तो उन्होंने क्या किया, सोचा कंपनी खरीदते। पर कंपनी खरीदने के लिए वैसे तो कम में मिल रहा था, लेकिन कितने में मिल रहा था, 8000 करोड़ रुपए में। कितने में? 8000 करोड़ को रतन टाटा जी क्या बोल रहे थे, सस्ता मिल रहे, हमको यहां 80 रुपए मांग ले कोई। बोले भाई थोड़ा ठीक ठीक लगा देना, 50 रुपए लगा देना। ये क्या बोलते, 8000 करोड़ यानी कि सस्ता मिल रहे। अब रतन टाटा जी को 8000 करोड़ चाहिए होते, तुम समझना कोई भी बड़ा बिजनेसमैन ना कभी अपने बैंक अकाउंट से पैसा निकाल के नहीं देता। वो बोलता है ये वाला 8000 रुपए मैं पब्लिक से कैसे अरेंज करूं। तो उन्होंने बोला एक काम करते हैं, पब्लिक से और पैसा लेते हैं। पर वो पैसा लेने के लिए रतन टाटा जी को एक प्रॉब्लम थी, क्या, अगर हम पब्लिक से और पैसा लेंगे मतलब शेयर्स पब्लिक के बढ़ जाएंगे, जब पब्लिक के शेयर्स बढ़ जाएंगे तो रतन टाटा जी का कंपनी में कंट्रोल कम हो जाएगा कि नहीं। अरे हाँ कि नहीं, मान लो 8000 करोड़ रुपए भूल जाओ, मान लो जगुआर लैंड रोवर खरीदने के लिए अगर रतन टाटा जी क्या करते, पब्लिक को और 10000 शेयर इशू कर देते, कितना, 10000 शेयर इशू कर देते 10 रुपए का, तो पैसे तो आ जाते, पर इससे होता क्या, रतन टाटा जी का शेयर होल्डिंग कम हो जाता, मतलब उनकी खुद की कंपनी में उनका कंट्रोल कम हो जाता कि नहीं। हाँ, तो उन्होंने बोला यार ये तो प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं कंपनी को अभी भी अपना रखना चाहता हूं। तो उन्होंने एक आइडिया लगाया, सुनना ध्यान से, उन्होंने बोला भैया हम पब्लिक से पैसा तो लेंगे पर अब हम ऑर्डिनरी शेयर्स नहीं इशू करेंगे, हम एक न्यू क्लास ऑफ शेयर्स इशू करेंगे, चलो एक बार के लिए नाम देते, डिफरेंशियल शेयर्स। क्या, डिफरेंशियल शेयर्स। सर ये शेयर्स नॉर्मल शेयर से थोड़ा अलग है, तुम लोग सुन रहे हो क्या, तुम लोग सुन रहे हो क्या, पक्का? अभी मैं देखो क्लास में तुम लोगों को आज कुछ नहीं बोलूंगा, सुनो क्या कहा मैंने, डिफरेंशियल शेयर। डिफरेंशियल शेयर्स मतलब क्या, थोड़ा अलग है, कुछ तो भी अलग है। इन्होंने क्या बोला रतन टाटा जी ने, ये डिफरेंशियल शेयर्स हम पब्लिक को इशू कर रहे हैं, और कितने का, 10000 शेयर्स का 10 रुपए पे इशू करेंगे, और कितना हो गया, 1,00,000 रुपए का पेड अप शेयर कैपिटल हो गया। ये मैं एग्जांपल ले रहा हूं। अब सर ये डिफरेंशियल शेयर में डिफरेंस क्या है, तो हमने क्या बोला पता है, वैसे तो नॉर्मली एक शेयर पे कितना वोट होता है, 1 वोट, पर तुम लोगों के लिए ना, तुम लोगों के लिए हमने बोला 10 शेयर में क्या रहेगा, 1 वोट। तुम लोगों को एक शेयर पे 1 वोट नहीं मिलेगा, तुमको 10 शेयर पे 1 वोट मिलेगा, मतलब तुम्हारे पास होंगे 10000 शेयर, लेकिन वोट्स कितने हैं तुम्हारे पास, सिर्फ 1000। डिड यू अंडरस्टैंड, तुम्हारा वोटिंग कितना आएगा, 1000। तो शेयर होल्डर बोलेगा पागल है क्या हम, पागल है क्या हम तुमको पैसा दे, तुम ऊपर ऑर्डिनरी शेयर्स में ज्यादा वोटिंग पावर दे रहे हो, यहां पे कम वोटिंग पावर दे रहे हो, हम क्यों लेंगे ये वाला शेयर्स। तो रतन टाटा जी ने बोला, बोल रहा हूं खत्म तो करने दे पहले, हमने क्या बोला 10 शेयर के पीछे तुमको 1 वोटिंग पावर मिलेगा, दूसरा तुमको बदले में हम डिविडेंड ज्यादा दे देंगे, मतलब अगर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को 5% का डिविडेंड मिल रहा है, तुमको हम 10% का डिविडेंड देंगे। अरे फायदे की बात है कि नहीं, यस सर। तो इन्होंने वोटिंग राइट्स कम कर दिया और डिविडेंड क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब तुम समझो भाई, प्रैक्टिकली मैं रिलायंस का शेयर होल्ड कर रहा हूं पिछले 7 साल से, मैंने जिंदगी में आज तक रिलायंस का एक मीटिंग अटेंड नहीं किया, और जब अटेंड किया तब भी ये पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई एजीएम में होता क्या है, क्योंकि अपने को पढ़ाना है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से, अदरवाइज मैंने एज अ शेयर होल्डर मैं क्या अपने 20 शेयर के लिए जाके बोलूंगा क्या, ओ मुकेश मेरा भी वोट ले, मैं मारूंगा एक कान के नीचे बोलेगा वो, उनके पास करोड़ों शेयर है भाई, हम अपने 20-25 शेयर के लिए कहां तो वोटिंग करने जाएंगे। और मीटिंग होती है मान लो मुंबई में, अभी तो कोविड के बाद का जमाना बदल गया, कोविड के बाद क्या हो गया, सारी चीजें ऑनलाइन हो गया, तुम ऑनलाइन मीटिंग ज्वाइन कर सकते हो, पर पहले तो मुंबई में होता था। तो तुम सोचो जो दिल्ली में शेयर होल्डर रहता है जिसके पास 10 शेयर है, कितने का खरीदा 10 शेयर, मान लो 10000 रुपए का, वो क्या करेगा, वोट करने के लिए दिल्ली से फ्लाइट पकड़ के मुंबई आएगा 2 दिन निकाल करके, और फिर वहां पे आके समोसा खा के वापस जाएगा, भाई उसका फ्लाइट का खर्चा 11000 रुपए हो जाएगा। तो वो कभी भी जिंदगी में वोट करने के लिए नहीं आएगा, तो उसको किस चीज से मतलब है, डिविडेंड से। हमने बोला सीधी बात करते हैं, तेरा वोटिंग पावर कम कर देते हैं, तेरे लिए डिविडेंड बढ़ा देते हैं, तेरा भी फायदा मेरा भी फायदा, हाँ कि नहीं, यस सर। तो यहां पे इन्होंने ये वाला शेयर इशू किया, और इससे जो पैसे आए ना उससे उन्होंने क्या करा, जगुआर लैंड रोवर को खरीदा। अब सर ये इशू करने से हमको कैसे फर्क पड़ता है सुनना, अब ये इशू होने के बाद स्टेटस क्या हो गया, अब ये वाला टोटल मैं हटा रहा हूं, ठीक है, ऊपर जो टोटल मैंने लिखा था, अब तुम वापस से एक बार टोटल करो, तुम मेरे को बताओ टोटल शेयर्स कितने हो गए, ऊपर 5000, 10000 और ये 10000, टोटल 25000 शेयर्स हो गए। पेड अप शेयर कैपिटल कितना हो गया, 50000, 1,00,000 और 1,00,000। माना मैथ्स थोड़ा वीक था इसलिए फाउंडेशन का बेड़ा गर्क हुआ, माना,
पर इतना तो अपन कर सकते हैं, बताओ 50,000, 1,00,000 और 1,00,000, टोटल 2.5 लाख। अब मेरे को बताओ वोटिंग पावर कितना है? 16. वोटिंग पावर हो गया 25,000, हाँ कि नहीं? बक ये 1,000 है भाई, 5,000, 10,000, 1,000, टोटल कितना हो गया? 16,000। अब मेरी बात सुनो, अब फर्क दिखेगा तुमको। अब तुम्हारा पेड अप शेयर कैपिटल का टोटल है 25,000 और वोटिंग पावर का टोटल है 16,000। मतलब अगर तुम बोलोगे रतन टाटा जी का पूरे कंपनी में एज अ, अगर आप पेड अप शेयर कैपिटल का परसेंटेज निकालोगे तो कितना परसेंट है आप पूछोगे, तो आप बोलोगे 10,000 डिवाइडेड बाई 25,000, यानी कि 40%। अरे ला तो कॉल कर भाई मैथ्स के टीचर को, अमन सर को कॉल लगाओ, क्या हो रखा है तुमको, फूक के बैठे हो क्या? बंद करता हूं मैं यूट्यूब, फिर बात करता हूं तुमसे। अरे जवाब तो दो, कितना शेयर होल्डिंग रतन टाटा का? 10,000 डिवाइडेड बाई 25,000 यानी कि 40%। पर अगर तुम वोटिंग पावर के नाम पे बात करोगे तो रतन टाटा जी के पास वोटिंग पावर है 10,000 डिवाइडेड बाई 16,000। ज्यादा है कि नहीं? बहुत ज्यादा है कि नहीं? यस। तो कितना स्मार्टली उन्होंने शेयर तो इशू कर दिया, पैसा भी ले लिया, पर फिर भी वोटिंग पावर नहीं दिया। तो लॉ बहुत जगह पे बोलता है भाई तू वोटिंग पावर देखना, तू नंबर ऑफ शेयर्स मत देखना, पर बहुत जगह ये भी बोलता है कि तू नंबर ऑफ शेयर्स देखना, वोटिंग पावर से हमको फर्क नहीं पड़ता है। अरे समझे क्या? यस। ये वाला एग्जाम्पल प्लीज नोट कर लो अपने स्क्रीन, अपने नोट्स में, यही बात है तो बाद में लिखो। देखो अभी तो मैं तुमको ये नोट वोट करने का टाइम दे रहा हूँ, पर यूजुअली कोशिश करो कि ये सारी चीज़ें सुनते सुनते ही लिख लो, क्योंकि जब मैं समझाता हूँ तो बहुत गैप होता है बीच में, तो इसको सुनते सुनते लिखोगे तो तुम्हारा फ्लो अच्छा बैठ जाएगा। समझे? चलो आगे बढ़े। सर अभी तक अपन ने क्या किया? अपन ने होल्डिंग कंपनी का डेफिनेशन लिखा, और होल्डिंग कंपनी के डेफिनेशन में मैंने सब्सिडरी कंपनी का डेफिनेशन लिखा, और सब्सिडरी कंपनी का डेफिनेशन मैडम दो तरीके से सब्सिडरी बनते हैं। पहला भाई कंट्रोलिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड और एक्सरसाइजिंग मोर देन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। मैंने बोला अब तुम भी बोलोगे, ठीक है अब तुम भी बोलोगे। पहला, दो तरीके से आप सब्सिडरी कंपनी बनते हो। पहला कंट्रोलिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड और एक्सरसाइजिंग मोर देन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। अब उसके नीचे अपन ने एक लाइन लिखा था दोस्तों, अपन ने एक लाइन लिखा है क्या, प्रोवाइडेड दैट नो होल्डिंग कंपनी शैल हैव मोर देन सच लेयर ऑफ सब्सिडरीज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। इसका क्या मतलब है? Not more than ब्रैकेट में, चलो लिखो इसके आगे ब्रैकेट में लिखो,
दैट इज नॉट मोर देन टू लेयर्स ऑफ सब्सिडरी. सर ये क्या है नॉट मोर देन टू लेयर्स ऑफ सब्सिडरी? एनी वन हु वॉन्ट्स टू एक्सप्लेन? कोई है जो ये बताना चाहता है? बोलिए मैडम. क्यों? चलो मैं बताता हूं. सुनो दोस्तों, इधर ध्यान दो. तुमको वो पता है दाऊद इब्राहिम? कैसे पता भाई? हाँ दोस्त है तुम्हारा? हाँ सॉरी भाई, कैसे मैं? अच्छा किसका दोस्त है तेरा? अच्छा ऐसा? हाँ भाई तेरे को स्पेशल, आपको सर यहां बैठना है के ऊपर आराम से कहीं. सुनो दोस्तों मेरी बात सुनो. दाऊद इब्राहिम है, इंडिया में काम कर रहे, बहुत सारा ब्लैक मनी कमा रहे, सट्टा आईपीएल में सट्टा लगा रहे, पैसे कमा रहे. ये सारा ब्लैक मनी करेगा क्या? किसी ना किसी तरीके से घुमा करके वो हमारे इंडिया के इकोनॉमी में लाने की कोशिश करेगा, मतलब ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा. तो क्या तरीका होता था उसका सुनना. वो क्या करेगा, दाऊद इब्राहिम अपने नाम से कंपनी खोलेगा और वो कंपनी में पैसा डाल देगा. जैसे ही वो कंपनी किसी और कंपनी में इन्वेस्ट करेगी तो पता चल जाएगा ना कि भैया दाऊद इब्राहिम का कंपनी है, पैसा डाला है और उसको पकड़ लेंगे. तो वो क्या करेगा, वो डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करेगा. मान लो उसको रिलायंस में इन्वेस्ट करना है, वो डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करेगा. वो क्या करेगा, एक कंपनी में पैसा डाला, उस कंपनी का पैसा दूसरे कंपनी में, उस कंपनी का पैसा तीसरे कंपनी में, उसका चौथे कंपनी में, और फिर जाके रिलायंस में इन्वेस्ट करेगा. अब अगर मान लो कभी रिलायंस को शक भी होता है कि हमारा जो ओरिजिनल शेयर होल्डर है ना वो दाऊद इब्राहिम है, तो रिलायंस ज्यादा से ज्यादा किसको पूछेगा? इसको पूछेगा. और ज्यादा तो एक कदम और पीछे जाएगा, पर इतना पीछे तो नहीं जा पाएगा ना, दाऊद इब्राहिम को तो ट्रैक नहीं कर पाएगा ना. तो इसीलिए लॉ ने क्या बोला, तुम इस तरीके से ना ब्लैक मनी को इंडिया में लाते हो और ब्लैक मनी को हमारे इकोनॉमी के अंदर घुसाते हो ताकि तुमको ट्रैक ना कर सके. इसीलिए हमने बोला कि कोई भी कंपनी ना दो लेयर से ज्यादा सब्सिडरी नहीं रख सकती. दो लेयर मतलब क्या, ये कंपनी नंबर वन है, इसकी सब्सिडरी वन है, ये लेयर नंबर वन, इसकी सब्सिडरी लेयर नंबर टू, बस इसके आगे तुम और सब्सिडरी इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते. तुमको क्या कर रहे हो भाई, एक कंपनी है उसकी सब्सिडरी है, उसकी सब्सिडरी है, उसकी सब्सिडरी, चल क्या रहे. तो हमने बोला अगर जरूरत भी पड़े ना बहुत ज्यादा तो तुम दो लेयर्स तक रख सकते हो, उसके आगे तुम नहीं जा सकते. ये इन्होंने कहां पे डाल दिया, हमारे कंपनीज एक्ट में डाल दिया. ताकि होगा क्या कि अगर मान लो तुम तो रिलायंस का छोड़ो, मान लो क्या हो गया, मान लो इस वाले कंपनी का ऑडिट हो गया. किसका? ये वाले कंपनी का, इनकम टैक्स के अंदर ऑडिट हो गया. तो जब इनकम टैक्स के अंदर ऑडिट हो जाएगा ना तो आप क्या करोगे, इसके पीछे एक लेयर जा सकते हो और एक कदम और पीछे जा सकते हो. उसके पीछे ना तुमको इनकम टैक्स भी जाने के लिए अलाउ नहीं करता, बाकी एक्ट्स भी आपको अलाउ नहीं करते. तो जब एक्ट्स भी अलाउ नहीं करते तो कंपनीज एक्ट ने बोला दो लेयर से ज्यादा सब्सिडरी रखना ही मत, ताकि जो ओरिजिनल ओनर है ना उसको हम आसानी से पकड़ सके. अरे समझे क्या? यस सर, वही लाइन लिखा है, पढ़ो. प्रोवाइडेड दैट, पढ़ो, तो लेयर्स मतलब क्या, लेयर्स मतलब एक सब्सिडरी, उसके नीचे एक और सब्सिडरी, तो वो दो लेयर हो गया. तो इन्होंने प्रिस्क्राइब करके बोला दो से ज्यादा सब्सिडरी नहीं हो सकते. उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन लिखो सर. नेक्स्ट डेफिनेशन किसका पढ़ेंगे? नप, एसोसिएट कंपनी, एसोसिएट कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 6 में डिफाइंड है एसोसिएट कंपनी. एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच सच अदर कंपनी दो पार्ट में डिवाइड करेंगे इसको. पहला हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, ब्रैकेट में लिखना, बट इज नॉट अ सब्सिडरी, और बाजू में लिखना एंड इंक्लूड्स अ जॉइंट वेंचर. एसोसिएट कंपनी मीन्स इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी,
मीन्स अ कंपनी, जब तुम्हारा हो जाए ना तो थोड़ा ऊपर देखना, तो मेरे को समझ आएगा कितने कितने लोगों का हो गया है। नहीं तो लोग क्या करते, ऐसे लिखते रहते बस। मैं सोच रहा हूँ इतना क्या लिख रहे हो, जाके देखो तो वो लिख भी नहीं रहा है, बस इसे नीचे देख रहा है। तो मेरे को समझ आता है। तेरी बात कर रहा हूं। लिख लिया सर, एक बार पढ़ो क्या लिखा है। एसोसिएट कंपनी पहला लाइन क्या लिखा है, इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी। क्यों ऐसा? क्योंकि मैंने तुमको यह बोला था, हमेशा होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट किसी और के रिलेशन में ही देखते हो। अगर मैं एसोसिएट हूं तो मैं किसका एसोसिएट हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी मींस अ कंपनी इन विच सच अदर कंपनी हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बट इज नॉट अ सब्सिडरी एंड इंक्लूड्स अ जॉइंट वेंचर कंपनी। यहां पे लेट मी टेक एन एग्जांपल कि मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एक और कंपनी है रिलायंस ओटीटी। क्या है? रिलायंस ओटीटी। इन्होंने बोला भैया हम भी एक कंपनी बनाएंगे रिलायंस ओटीटी। वो रिलायंस का प्लेटफॉर्म है ना, जियो सिनेमा। वो तो चलो ठीक है, अलग है। तुम समझो जियो सिनेमा वगैरह जो है वो सब एक अलग कंपनी के अंडर रजिस्टर्ड है, रिलायंस ओटीटी। इन्होंने रिलायंस ओटीटी करके एक प्लेटफॉर्म बनाया और रिलायंस ने क्या किया पता है? रिलायंस ने उसका 40% शेयर खरीदा। कितना? 40% शेयर। अब मेरे को एक बात बताओ, जब रिलायंस ने रिलायंस ओटीटी का 40% शेयर खरीदा, और मैं तुमको यह भी बता रहा हूं कि रिलायंस जो है ना, रिलायंस ओटीटी के बोर्ड के कॉम्पोजिशन को कंट्रोल नहीं करता है, तो मेरे को बताओ इस केस में क्या इन दोनों के बीच में होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन बनता है? क्या होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन बनता है? नहीं सर, नहीं बनता। क्योंकि होल्डिंग सब्सिडरी के लिए दो कंडीशन है, या तो तुम कंट्रोल द कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड करो और एक्सरसाइज मोर देन हाफ ऑफ द पावर करो, पर तुम दोनों भी नहीं कर रहे हो, तो इस केस में होल्डिंग सब्सिडरी तो नहीं है। पर सर आपको ना लिटरली नहीं पता, पर एक फील लेके मेरे को बताओ, क्या रिलायंस रिलायंस ओटीटी में एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखता है? नॉर्मल इंग्लिश में बताओ, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब कल को अगर रिलायंस इंडस्ट्री रिलायंस ओटीटी को कुछ बोलेगा तो क्या वो एक बार कंसिडर तो भी करेगा? हाँ सर। तो इस तरह का अगर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है ना, तो लॉ ने बोला ये रिश्ते को क्या नाम दे? तो इन्होंने बोला भैया ये जो कंपनी हो गई ना, ये एसोसिएट कंपनी हो गई। किसकी? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की। प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना, लॉ में लिखा है एसोसिएट कंपनी बनने के लिए सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस? जो तुमने चार्ट बनाया ना उसी में से नीचे ड्रॉ करो। इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसमें इसको डब्बे में डालो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस को, और नीचे डालो। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ना दो तरीके से आता है, या तो आपके पास एटलीस्ट 20% ऑफ वोटिंग पावर आ जाए, या फिर यू हैव कंट्रोल ऑफ द बिजनेस डिसीजंस। यू हैव कंट्रोल ऑफ द बिजनेस डिसीजन। अगर आपके पास बिजनेस के जो बड़े बड़े डिसीजन है उसका कंट्रोल आपके पास है, तो भी आपको क्या बोला जाएगा? एसोसिएट कंपनी बोला जाए, तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बोला जाएगा। सर हेलो हेलो, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस दो तरीके से बनता है। पहला, एटलीस्ट 20% ऑफ वोटिंग पावर। क्या मतलब? मतलब आप अगर किसी और कंपनी में कम से कम 20% का वोटिंग पावर रखते हो ना, वो आपका क्या बन गया? एसोसिएट बन गया। पर सर एक बात बताओ, 20% कम से कम, मतलब अगर 40% रखा तो एसोसिएट बन गया, 60% रखा तो 60% रखा तो यार सब्सिडरी बन गया, और सब्सिडरी बन गया तो हमने यहां पे क्या लिख दिया? बट इज नॉट अ सब्सिडरी। अगर तुम सब्सिडरी हो तो तुमको एसोसिएट क्यों बोलेंगे? तुमको तो सब्सिडरी बोल रहे हैं ना। तो यहां पे एटलीस्ट 20% ऑफ वोटिंग पावर और कंट्रोल्स द बिजनेस डिसीजन। क्या मतलब है? मतलब मान लो बोर्ड का जो कॉम्पोजिशन है ना, वो पूरा तुम कंट्रोल नहीं करते, पर जितने भी बड़े बड़े डिसीजन होते हैं ना, उसमें तुम भी पार्टिसिपेट करते हो। क्यों पार्टिसिपेट करते हो? क्योंकि भैया तुम्हारा अग्रीमेंट हुआ है, तुम्हारा अग्रीमेंट हुआ है। तो अगर अग्रीमेंट की वजह से तुम भी बिजनेस में डिसीजन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, मतलब सर एक सिंपल सी बात बताओ, फॉर एग्जांपल वी स्मार्ट एकेडमी में मेरा कोई शेयर नहीं है,
मैं कोई वी स्मार्ट अकेडमी में इन्वेस्टेड नहीं हूं, पर फिर भी अगर बिजनेस डिसीजन में मैं जो बोलता हूं उसको कंसिडर किया जाता है, क्या तुम ये बोल सकते हो मेरा कंपनी पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है? कि तुम सिर्फ ये बोलोगे पैसा इन्वेस्ट किया है क्या? भाई भले मेरा पैसा इन्वेस्टेड नहीं हो, पर दोनों को फर्क पड़ता है एक दूसरे से, तो वहां पे एक नेचुरल अग्रीमेंट हो जाता है और मैं बिजनेस डिसीजन में पार्टिसिपेट करता हूं तो मेरा उस कंपनी पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो गया। अरे समझे क्या? यस सर। तो आप क्या बन गए? एसोसिएट कंपनी। अब एसोसिएट कंपनी के डेफिनेशन में इन्होंने बाई डिफॉल्ट एक चीज इंक्लूड करी है, क्या? ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर मतलब क्या? ज्वाइंट वेंचर मतलब ज्वाइंट एग्रीमेंट बिटवीन टू टू परफॉर्म अ सर्टेन, मतलब हम पूरी क्लास मिलकर के जब लिखेंगे एग्जाम तो शायद पास हो जाएंगे। उसने बोला ज्वाइंट अग्रीमेंट, उसने बोला बिटवीन टू कंपनीज, इसने बोला टू परफॉर्म सर्टेन अग्रीमेंट, ऐसा तीनों मिलकर के लिखेंगे क्या? सुनो, ज्वाइंट वेंचर मतलब क्या, सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग रखना। अभी मान लो इंडिया के दो सबसे बड़े कंपनी कौन से हैं? एक मान लो रिलायंस इंडस्ट्री और एक अडानी। इन दोनों ने, जिनका मोदी जी से कोई वास्तविक नाता नहीं है, अब ये दोनों कंपनी ने मिलकर के बोला भाई इतने पैसे कमाए, कुछ अच्छा भी कर लेते हैं दुनिया के लिए। तो इन्होंने क्या किया, दोनों ने मिलकर के डिसाइड किया कि भैया ये जो ग्रीन प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, ग्रीन एनर्जीज होती है, ग्रीन प्रोजेक्ट होते हैं, इसको हम थोड़ा सा ना बढ़ावा देना चाहते हैं। बढ़ावा, समझ रहे हो? प्लेस द ए इन द राइट प्लेस, ठीक है? बढ़ावा देना चाहते हैं। अगर आपने बोला कि ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट को हम बढ़ावा देना चाहते हैं, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, रिलायंस और अडानी ने मिलकर के क्या करेंगे, ये लोग एक जॉइंट वेंचर फॉर्म करेंगे। इस जॉइंट वेंचर का ऑब्जेक्टिव क्या है? इस जॉइंट वेंचर का एक ही सोल ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग ग्रीन पावर को, ग्रीन एनर्जी को जो है प्रमोट करेंगे। अब ये जो जॉइंट वेंचर बना है ना, इसमें यूजुअली दोनों का 50% क्या रहेगा, स्टेक रहेगा। और ये सिर्फ पैसे डालने की बात नहीं होती है सर, ये दोनों अपनी अपनी ताकत भी लेके आएंगे जॉइंट वेंचर में और जॉइंट वेंचर को प्रमोट करेंगे। बाद में जो भी प्रॉफिट आया, जो भी चीजें आएगी ना, वो वापस दोनों में इक्वली बट जाएगी। अब सर सवाल ये हुआ कि दोनों का एग्जैक्ट 50% होगा, तो तुम मेरे को बताओ जब एग्जैक्ट 50% होता है, क्या तुम सब्सिडरी बन पाए? क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि वहां पे लिखा है मोर देन हाफ, मतलब हाफ से ज्यादा, मतलब 50 से ज्यादा, तो तुम क्या नहीं बन पाए? सब्सिडरी नहीं बन पाए। तो सर यहां पे लॉ ने क्लैरिटी दे दी कि तुम सब्सिडरी नहीं बन पा रहे हो, चलो इसको हम क्या बोल लेंगे, एसोसिएट बोल लेंगे, बिकॉज एग्जैक्ट 50% है। समझ ला का है? हो सर। अब आगे बढ़ो मेरे साथ, ये क्या हो गया आपका एसोसिएट कंपनी का डेफिनेशन हो गया। अब लॉ मैंने एक लाइन लिखी हुई है आगे, जो मेरे साथ लिखो पहले, नोट फॉर डिटरमाइनिंग एसोसिएट और सब्सिडरी कंपनीज शेयर्स हेल्ड इन फिड्यूसियरी कैपेसिटी, शेयर्स हेल्ड इन फिड्यूसियरी कैपेसिटी शेल नॉट बी काउंटेड। Shares held in fiduciary capacity shall not be counted. बोलो मैडम। नहीं, मेरे को बस fiduciary capacity समझा दो, बाकी तो कुछ है ही नहीं। What is fiduciary capacity? Yes, madam. Online वाले तुम भी बताओ यार, मेरे को देखना online में किस किस बच्चे को थोड़ा पढ़ाई लिखाई आता है, तुम भी बताओ। She said fiduciary capacity is based on trust. ठीक है, ये तो तुम्हारा रट्टा वाला knowledge है, तुमने foundation में पढ़ा। Practical knowledge क्या है? What is fiduciary capacity? ठीक है, सुनो दोस्तों, इधर सुनो, मेरी बात सुनो। ये जो फिड्यूशियरी कैपेसिटी में आपने एक वर्ड यूज किया ट्रस्ट, ठीक है? अब समझो ये वाला जो फिड्यूशियरी कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट है ना, वो इंडिया में इतना प्रेविलेंट नहीं है जितना ये यूएस में चलता है। यूएस में क्या होता है सुनना, आप अभी इनकम टैक्स पढ़ोगे तो इनकम टैक्स में क्या लिखा हुआ है, मैं एक इंडिविजुअल हूं तो मेरे पे टैक्स लगेगा। क्या टैक्स लगेगा वो सब आप बहुत डिटेल में पढ़ोगे, पर इनकम टैक्स में ना इंडिविजुअल एक अलग इंसान है, एक और इंसान होता है ट्रस्ट। ट्रस्ट नाम का एक और एंटिटी होता है जिसका पूरा इनकम टैक्स का कैलकुलेशन अलग होता है। अब यूएस में लोग क्या करते हैं पता है, यूएस में लोग बहुत सेफ खेलते हैं।
मैं जहां पे मैं इसके पहले काम करता था एक कंपनी में जिसका नाम था गिल्ड कैपिटल. क्या नाम था? गिल्ड कैपिटल. उस कंपनी में ना इट वाज अ वेंचर कैपिटल फर्म. उस कंपनी का जो मालिक था वो यूएस का बंदा था. उसके पास मैं 2 साल काम किया वहां पे. 2 साल में बंदे ने 10 करोड़ रुपए से शुरू किया था. वो 2 साल के अंदर वो पहुंच गया 800 करोड़ में. 10 करोड़ से शुरू किया था, 2 साल स्टार्टअप में इन्वेस्ट करके 10 करोड़ रुपए कितने हो गए? 800 करोड़. और तुम मानो जितना उसने कमाया ना उतना ही उसने अपने एम्प्लॉयज को भी दिया. मतलब 10 करोड़ से शुरू किया, 800 करोड़ पे पहुंच गया. हमारी भी सैलरी 10 लाख से शुरू हुई थी. मैं अगले 2 साल के अंदर आई वॉज अर्निंग 12 लाख रुपीज. ध्यान ही नहीं दे रहे हो तुम, ध्यान ही नहीं दे रहे हो. 10 लाख से शुरू किया था, मैं 12 लाख पे था. मजाक कर रहा हूं, पर पॉइंट ये है कि ही अर्न सो मच. अभी उसके मन में टेंशन क्या रहता है कि भाई मैं जब जाऊंगा तो मेरे 800 करोड़ का क्या होगा, क्योंकि ये 800 करोड़ इतने जगह फैले हुए हैं, लोगों को पता भी नहीं है कहां पे ये पैसे. तो उसने क्या किया पता है? उसने एक ट्रस्ट बनाया, खुद का एक ट्रस्ट फॉर्म किया और अपने सारे असेट्स किसको ट्रांसफर कर दिए? ट्रस्ट को. मतलब मान लो वो जो फाउंडर था ना उसका नाम था मिस्टर ए. मिस्टर ए ने क्या किया, उसके 800 करोड़ के शेयर्स थे, मान लो 800 करोड़ उसने पूरा का पूरा रिलायंस में इन्वेस्ट कर रखा था. मान लो उसने क्या किया, बोला 800 करोड़ मैं अपने नाम पे नहीं होल्ड करूंगा. उसने सारा का सारा शेयर्स किसको ट्रांसफर कर दिया? ट्रस्ट को ट्रांसफर कर दिया. ट्रस्ट एक एंटिटी है. अब एक बात समझो, रिलायंस के शेयर्स अब कौन होल्ड कर रहे हैं? मिस्टर ए नहीं, अब वो किसके नाम पे हो गया? ट्रस्ट के नाम पे. ठीक है, तो यहां पे जब मिस्टर ए ना, मिस्टर ए के शेयर्स कौन होल्ड कर रहा है? ट्रस्ट. तो ये माना जाएगा कि ट्रस्ट इज होल्डिंग सच शेयर्स इन फिड्यूसियरी कैपेसिटी. फिड्यूसियरी कैपेसिटी मतलब भरोसे पे होल्ड कर रहा है. किसके भरोसे पे? मिस्टर ए पे. ये सर ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट होता है कि तुम डायरेक्ट होल्ड करने की जगह ट्रस्ट के नाम पे होल्ड कर रहे हो. क्यों? क्योंकि भैया कल को अगर मिस्टर ए की डेथ भी हो जाती है तो ट्रस्ट तो चालू रहेगा ना, और वो ट्रस्ट में वो लिख देगा कि ये बंदा मेरे डेथ के बाद ये शेयर्स किसके पास जाएंगे, तो वो शेयर्स अकॉर्डिंगली ट्रांसफर हो जाएंगे. सर ये ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट होता है. क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया? आपको समझा क्या? मिस्टर ए ने खुद के नाम से हटा के किसके नाम पे डाल दिया? ट्रस्ट. अभी पैसा किसका लगा है? मिस्टर ए का. पर शेयर होल्डर कौन है? ट्रस्ट है. तो मैं क्या बोल सकता हूं रिलायंस के केस यहां पर, इस एग्जाम्पल में जो रजिस्टर्ड होल्डर है मतलब जिसका नाम है वो तो ट्रस्ट है, पर बेनिफिशियल ओनर कौन है? बेनिफिशियल ओनर मतलब जिसका फायदा होगा वो अभी भी मिस्टर ए है. हां कि नहीं? अब सिमिलरली ये तो एक बेसिक पॉइंट था. अब तुम समझो फिड्यूसरी कैपेसिटी ये बेसिक होता है. अब मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूं. मान लो नीता अंबानी कौन है तुमको पता है? हां नीता अंबानी कौन है? अनिल अंबानी की वाइफ. अबे मुकेश अंबानी की वाइफ है भाई. तो नीता अंबानी को क्या करना था? नीता अंबानी को रिलायंस ओटीटी में इन्वेस्ट करना था. किसमें इन्वेस्ट करना था? रिलायंस ओटीटी में खुद के नाम पे इन्वेस्ट करना था. अब उसने बोला मैं खुद के नाम पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहती. क्यों? क्योंकि भैया शेयर्स एक बार इन्वेस्ट करो ना तो बहुत सारा उसमें मैनेजमेंट भी होता है कि तुमको समय पे डिविडेंड मिल रहा है कि नहीं, तुम वोटिंग कर रहे हो कि नहीं, बहुत सारा मैनेजमेंट होता है. तो नीता अंबानी ने बोला मेरे को ये सब का टाइम नहीं है. तो उसने क्या बोला? उसने बोला रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को, जो कंपनी है ना, उसको बोला भैया मेरे शेयर्स हैं, ये लो तू मेरे से 100 करोड़ रुपए, और ये 100 करोड़ रुपए तू कहां पे डाल दे? रिलायंस ओटीटी में डाल दे. तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पैसे लिए और 100 करोड़ रुपए किसमें डाल दिए? ओटीटी में डाल दिए. अब सर पैसे किसके हैं? नीता अंबानी के. पैसा डाला किसने? रिलायंस इंडस्ट्रीज ने. अब मेरे को एक बात बताओ, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना. ये 100 करोड़ डालने के पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज खुद 45% शेयर होल्ड करता था. किसका? रिलायंस ओटीटी का. कितना होल्ड करता था? 45%. अब जब नीता अंबानी से 100 करोड़ लिए और ये वाले पैसे डाल दिए तो उसको और 10% मिल गया. कितना? और 10% मिल गया. तो टोटल कितना हो गया? 55%. मेरा सवाल, रिलायंस ओटीटी जो है वो रिलायंस इंडस्ट्री का क्या है? ऑप्शन ए होल्डिंग, ऑप्शन बी सब्सिडरी, ऑप्शन सी एसोसिएट, ऑप्शन डी IDK. आई डोंट नो, बताओ. एसोसिएट की सब्सिडरी. सर associate. क्या बात कर रहे हो? 55% है. अरे तो क्या फर्क पड़ता है? ये जो 10% है ना राजा, ये तो फिड्यूसरी कैपेसिटी में होल्ड कर रहा है, मतलब भरोसे पे होल्ड कर रहा है. शेयर्स तो किसके हैं? किसी और के हैं. तो अगर आप फिड्यूसरी कैपेसिटी पे शेयर्स होल्ड करते हो ना, तो जब एसोसिएट या सब्सिडरी का रिलेशन निकाल रहे हो तो उसको काउंट नहीं करते. अरे समझा क्या तुमको? yes, सर ये इतनी मेहनत क्यों करे समझाने के लिए? इंपॉर्टेंट है क्या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? नहीं. तुम समझो होता क्या है,
तुम जब घर पे बैठ के पढ़ाई करोगे ना, अभी तो चलो हवा हवा में तुम आगे बढ़ा दोगे, तुमको सबसे ज्यादा सीरियसनेस का बात ये प्रिपरेशन लीव में, बोले अब मैं पूरा करेगा, तो फिर तुम होल्डिंग कंपनी का डेफिनेशन पढ़ते हो, सब्सिडियरी कंपनी का डेफिनेशन पढ़ते हो, वहां पे लास्ट में एक लाइन लिखा रहता है, फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग होल्डिंग और सब्सिडियरी और एसोसिएट रिलेशनशिप फिड्यूशरी कैपेसिटी शैल नॉट बी काउंटेड। अब तुमको लगता है यार ये क्या था भाई, फिर तुम क्या टाइम पास करते हो, तुम टेलीग्राम खोलते हो या तुम व्हाट्सएप खोलते हो, बोले सर डाउट, अगले दिन सर रिमाइंडर, अगले सर रिमाइंडर 3, सर आप रिप्लाई नहीं करते। अरे भाई क्लास में ढंग से सुन लोगे लिख लोगे तो जिंदगी भर के लिए सेटल हो गया ना। अभी तुम लोग एक बात समझो, तुम्हारी सारी मेहनत क्या है कि मैं एक दिन आएगा जिस दिन मैं डेढ़ दिन में सिलेबस रिवाइज करूंगा, वो डेढ़ दिन में मेरे को किसी भी तरह का फ्रिक्शन आना नहीं चाहिए। तो ये लाइन लिखी हुई है, तुम इसके नीचे ये वाला सेम एग्जाम्पल नोट करो, और तुमको समझ आया कि नहीं, समझ आया कि नहीं, तो एक छोटा सा और काम करना, ये हर सब्जेक्ट के लिए तुम अप्लाई कर सकते हो। कभी भी कोई कॉन्सेप्ट तुमको ट्रिकी लगा ना, प्लीज मेरी बात सुनो, कॉन्सेप्ट सुने ट्रिकी लगा, उसका घर जाके ना खुद का एक रिवीजन ऑडियो बनाओ कि भैया ये वाला जो कॉन्सेप्ट था ना इसमें सर ने ये समझाया था। तुम खुद से वो रिवीजन ऑडियो बनाओगे ना, तुमको रिलेटिवली बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। अरे समझे क्या? यस सर। एक बार ये लाइन पढ़ो ऊपर वाला फिर से, फॉर डिटरमाइनिंग एसोसिएट और सब्सिडरी कंपनी शेयर्स हेल्ड इन फिड्यूशरी कैपेसिटी शैल नॉट बी काउंटेड। अब समझा, ये एग्जांपल नोट कर लो, नीता अंबानी वाला, बोलो सर। रिलायंस ओटीटी को कैसे मालूम चलेगा कि उसका फिड्यूशरी रिलेशन से आया है? जब आप शेयर होल्डर बनते हो ना तो आपको फॉर्म्स भरने पड़ते हैं, तो आपको उस फॉर्म में बताना पड़ेगा। देखो ये सब कॉन्सेप्ट आज डीमैट के जमाने में रेलेवेंट नहीं है। डीमैट मतलब क्या? डीमटीरियलाइज्ड, मतलब आजकल पता है ना सारा ऑनलाइन हो जाता है, मतलब मैं शेयर्स ऑनलाइन खरीद सकता हूँ, शेयर्स ऑनलाइन बेच सकता हूँ, तो ये सब चीजें वहां पे रेलेवेंट नहीं है। जब पहले जमाने में, मतलब 2016 के पहले जब फिजिकल शेयर्स होते थे ना, तब ये सब रेलेवेंट था। उसमें आपको लिखना पड़ता था कि मैं फिड्यूशरी कैपेसिटी में होल्ड कर रहा हूं, ओरिजिनल ओनर कौन है? नीता अंबानी। ये आपको डिक्लेयर करना पड़ता था, ठीक है? अभी नहीं, अभी के हिसाब से रेलेवेंट नहीं है। बहुत सारी चीजें तुम कंपनीज एक्ट में पढ़ोगे, बहुत सारी चीजें जो आपका कोविड के बाद रेलेवेंट नहीं बचा है। कोविड के बाद इसीलिए क्या आती है सर, इसलिए आगे चल के आएगा अमेंडमेंट। क्या आता है? अमेंडमेंट। लिख लो फटाफट, एग्जांपल लिख लिया, बोल राजा। और में और दोनों और में दोस्तों सुनो ना, नेक्स्ट लिखो सेक्शन, बहुत डिफिकल्ट वाला 246, होल्डिंग कंपनी, बहुत डिफिकल्ट सेक्शन है सर। जैसे पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन डिफिकल्ट था ना, वैसे ही। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ होल्डिंग कंपनी? हाँ लिखो, होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू In relation to any other company means a company of which such other companies आर सब्सिडरी कंपनी। ऑफ विच सच अदर कंपनीज आर सब्सिडरी कंपनी। समझे क्या? क्या बोल रहे हैं सर? एकदम लिटरल लैंग्वेज में वो ये कहना चाह रहा है कि कोई कंपनी अगर मेरी सब्सिडरी है ना, तो मैं उसका होल्डिंग हूं। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं अगर कोई कंपनी अपने आप को मेरी सब्सिडरी बता रही है, तो मैं उसका होल्डिंग कंपनी हो गया। ये इन्होंने डेफिनेशन में डिफाइन कर रखा है। बस सर एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस, बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। ये क्या एग्जाम में देंगे 4 नंबर का डिफाइन होल्डिंग कंपनी? अगर इनको एग्जाम में देना है तो ये लोग क्या डेफिनेशन देंगे? स्मॉल कंपनी का। स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन क्या था सर? स्मॉल कंपनी मींस A company other than public company having paid up share capital. वो लिमिट छोड़ दो, फाइनल वाला लिमिट बताओ जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया, पेड अप शेयर कैपिटल नॉट एक्सीडिंग 4 crore एंड टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग 40 crore। उसके बाद
प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस क्लॉज शैल अप्लाई टू थ्री कंपनीज. पहला होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, दूसरा सेक्शन 8 कंपनी, तीसरा कंपनीज फॉर्म्ड अंडर एनी स्पेशल एक्ट. उसके बाद एक आखिरी सेक्शन लेते हैं आज का, बहुत छोटा सा पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सेक्शन लगेगा 10 मिनट, मैं आपसे शर्त लगा रहा हूं, पूरा सेक्शन समझाऊंगा, पूरी चीजें बता दूंगा, तुमको मैं हिंट भी दे दूंगा, फिर उसके बाद एक सवाल पूछूंगा. शर्त लगाओगे क्या? पक्का? चलो. तो और तुमने बचपन में भी पढ़ाई है, लिख लो. नेक्स्ट, टू क्लॉज 45, गवर्नमेंट कंपनी. देखो कितना मस्त पढ़ा है तुमने बचपन में, राइट? गवर्नमेंट कंपनी. सर गवर्नमेंट कंपनी मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट कंपनी मतलब गवर्नमेंट की कंपनी, मतलब जिसमें सरकार पैसा लगाता है. मेरे को एक बात बताओ, क्या सेंट्रल, अपना सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है? बीजेपी. कौन है सेंट्रल गवर्नमेंट? बीजेपी. अपना स्टेट गवर्नमेंट कौन है? मान लो मैं ओडिशा का बताता हूं आपको, ओडिशा का स्टेट गवर्नमेंट है बीजेडी. तुमको पता है क्यों? क्योंकि लेक्चर से एक साल तक चलेंगे, तो वहां पे हमको पता है सरकार वही रहेगी, ठीक है? तो बीजेडी, नाम भी नहीं बदलेगा सरकार का और ना ही सरकार बदलेगी, तो आपका बीजेपी और बीजेडी है. अब मेरे को एक बात बताओ, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर सकता है? बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकता है सर. ये जो IOCL है, ये जो BPCL है, ONGC है, ये सब क्या है? इसमें तो सरकार का इन्वेस्टमेंट है. तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा? इन्वेस्ट करेगा इस कंपनी में. मेरे को एक बात बताओ, जब एक जनरल नॉलेज, जब सेंट्रल गवर्नमेंट किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो ये कंपनी शेयर्स देगी, करेक्ट? शेयर्स पे एक नाम लिखना पड़ेगा, वो नाम किसका रहेगा? बीजेपी का. किसका? बीजेपी का नाम रहेगा कि मोदी जी का नाम रहेगा? सर जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर होल्ड करती है ना, तो शेयर्स जो है वो प्रेसिडेंट के नाम पे इशू होता है. किसके नाम पे? प्रेसिडेंट के नाम पे. कौन है प्रेसिडेंट? सर द्रौपदी मुर्मू. ये जो है ये आपके प्रेसिडेंट है, इनके नाम पे क्या होगा? आपके शेयर्स इशू हो जाएंगे. सिमिलरली क्या स्टेट गवर्नमेंट भी इन्वेस्ट कर सकता है? हाँ. जब स्टेट गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया तो किसके नाम पे शेयर्स इशू होते हैं? आपके गवर्नर के नाम पे. किसके नाम पे? गवर्नर के नाम पे. तो यहां पे प्रेसिडेंट के नाम पे और यहां पे गवर्नर के नाम पे इशू होते हैं. अब मेरे को एक बात बताओ, प्लीज एक बात बताओ ध्यान से. सर ये कंपनीज जो है ये तो नॉर्मल कंपनीज है, इनको हम गवर्नमेंट कंपनी कब बोलेंगे? हम गवर्नमेंट कंपनी तब बोलेंगे जब कम से कम 51% ऑफ शेयर कैपिटल कौन होल्ड करता है? ये गवर्नमेंट. गवर्नमेंट मतलब या तो सेंट्रल गवर्नमेंट, या तो स्टेट गवर्नमेंट, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिला करके होल्ड करते हैं, ठीक है? अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं. एग्जांपल नंबर 1, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो IOCL में 27% शेयर होल्ड करते हैं. इज IOCL अ गवर्नमेंट कंपनी? वाओ, ठीक है. स्टेट गवर्नमेंट जो है वो BPCL में 52% होल्ड करता है. इज BPCL अ गवर्नमेंट कंपनी? सर गवर्नमेंट कंपनी में कौन सा है? ये स्टेट गवर्नमेंट कंपनी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी है? ऐसा कुछ है ही नहीं. गवर्नमेंट कंपनी मतलब ऐसे बह मत जाया करो सुर में, बोले स्टेट गवर्नमेंट इन्वेस्ट, स्टेट गवर्नमेंट कंपनी. आई डोंट नो भी एक ऑप्शन होता है, नन ऑफ द अबव भी एक ऑप्शन होता है. तो सर यहां पे इन्होंने क्या, यहां पे मैंने क्या बोला? ये गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है, वेरी गुड. मेरे को एक बात बताओ, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ONGC में 15% इन्वेस्ट किया है और स्टेट गवर्नमेंट ने ONGC में 25% इन्वेस्ट किया है, क्या ONGC गवर्नमेंट कंपनी है? क्या ये गवर्नमेंट कंपनी है? नो. ठीक है, पर यही सर अगर मैं 15% के जगह इसको मैं 30% कर दूं, अब क्या ONGC गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी? यस, ONGC गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी, वेरी इजी. अब सर एक लास्ट लाइन इन्होंने लिखा है कि गवर्नमेंट कंपनी इंक्लूड्स सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी. इसका क्या मतलब है? गवर्नमेंट कंपनी इंक्लूड सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी, इसका क्या मतलब है? चलो पहले बेरैक लिखते हैं, फिर उसको डीकोड करेंगे. मैंने बोला एक क्वेश्चन पूछूंगा शर्त लगा करके, उसका जवाब तुमको देना है और इसी से रिलेटेड है, ठीक है? इतना कौन डिटेल बताता है भाई, तुमको तो पूरा ट्रिक ही बता दिया. पर लिखो एक बार, पहले गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन लिखो. गवर्नमेंट कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द
पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और पार्टली बाय बोथ, बाय सीजीएसजी और पार्टली बाय बोथ। नीचे एक लाइन छोड़ के लिखो, इट इंक्लूड्स अ कंपनी विच इज सब्सिडियरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। इट इंक्लूड्स अ कंपनी विच इज अ सब्सिडियरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। सवाल पूछूं? एक बार पढ़ लो फिर से क्या लिखा है, अच्छे से पढ़ लो भाई। गवर्नमेंट कंपनी दो तरीके से बन सकते हो, पहले लिख लो तुम तो, वैसे पहले लिख तो ले फिर तो पढ़े। लिख लिए क्या? थोड़ा जो लोग अभी तक भी लिख रहे हैं भाई, थोड़ा सा अपने को, तुमको एक चीज बताऊं, पहले जब आपका ओल्ड कोर्स था ना, तब आपका क्वेश्चन पेपर जो आता था वो 5 पेजेस का आता था, 5 से 6 पेज में आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर खत्म हो जाता था। क्यों? क्योंकि पहले ऐसे क्वेश्चन आते थे, एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ स्मॉल कंपनी, 4 नंबर। अभी वही क्वेश्चन पेपर आपका 16 से 17 पेज का हो गया है, एवरीथिंग रिमेन सेम, 100 मार्क का ही पेपर है अभी भी, पर जो 4 या 6 पेज का पेपर आता था वो अब 16 पेज का हो गया फॉर ऑल द सब्जेक्ट। दैट मींस कि शुरू के जो 15 मिनट है ना, उसमें जो आप रीडिंग स्पीड 6 पेज का रखते थे, अब वो 16 पेज का रीडिंग स्पीड चाहिए। और जब इतना बड़ा क्वेश्चन बनता है ना, मतलब क्या वो कहानी बना रहे, अब वही कहानी आपको अपने आंसर शीट में भी लिखनी है, मतलब आपका नंबर ऑफ पेजेस का लेंथ भी बढ़ जाएगा। तो आप समझो रीडिंग स्पीड और राइटिंग स्पीड दोनों भी इंप्रूव करनी पड़ेगी। ये क्या सर, एक दिन हम घर जाके प्रिपरेशन लीव में बैठेंगे और हमने बोला 2 दिन, आज मैं तेज लिखेगा आज मैं तेज पढ़ेगा, हो जाएगा क्या? ये इट इज अ प्रोसेस, इट हैज टू इंप्रूव ग्रेजुअली। सो व्हेन यू आर इन द क्लास बी वेरी कॉम्पिटेटिव। अगर कोई बाजू में जल्दी लिख रहा है तो उससे समझो कि भाई ऐसे कैसे लिख रहा है। धीरे धीरे करोगे ना तो ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 2-3 मंथ्स तुम्हारी राइटिंग स्पीड कहीं तो भी इंप्रूव होगी। ऐसा अगर तुम आराम से लिखोगे तो वही आदत पड़ जाएगी ढीले ढीले लिखने की। तो जब क्लास में कोशिश ये करो कि तुम क्लास में बहुत जल्दी लिख करके बैठ जा रहे हो, एंड दिस हैज टू बी फॉर एवरी टाइम कि भाई मैं लिख के जल्दी 1 मिनट का ब्रेक लेगा ना, मैं क्या लिखे जा रहा हूं उसको स्लो में, समझ रहे हो क्या? ठीक है, अब मेरी बात सुनो सर, फिर से पढ़ो। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, गवर्नमेंट कंपनी बनने का 2 तरीका है। कितना तरीका है? 2 तरीका। पहला, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट तुम्हारे में 51% या उससे ज्यादा होल्ड करते हैं। क्या बोला मैंने? या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या, अरे सब बोलोगे क्या, बोलोगे क्या प्लीज? हाँ, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट आपके कंपनी में 51% या उससे ज्यादा इन्वेस्ट कर रखे, या फिर आप किसी सब्सिडरी, किसी गवर्नमेंट कंपनी के सब्सिडरी हो। ठीक है, लो ONGC करके कंपनी है, इस कंपनी में सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट बता रहा हूं 30%, 30%। क्या ONGC एक गवर्नमेंट कंपनी है? Is ONGC a government company? Yes. ONGC ने इन्वेस्ट कर रखा है IOCL में, कितना? 55%. Is IOCL a government company? Yes. Why? Because subsidiary of a government company will be considered as a government company. Similarly, एक और इजी वाला एग्जाम्पल ले लेते, सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट कर रखा है किसमें? ONGC में, कितना? 30%, 30%। क्या ये गवर्नमेंट कंपनी है? Yes. हाँ, ये गवर्नमेंट कंपनी है। अब ONGC ने इन्वेस्ट कर रखा है BPCL में, कितना? BPCL में इन्वेस्ट कर रखा है मान लो 40%, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट कर रखा है 25%। क्या BPCL गवर्नमेंट कंपनी है? Yes. क्या BPCL गवर्नमेंट कंपनी है? The answer is, क्या BPCL गवर्नमेंट कंपनी है? Yes. पहले सोच लो आराम से। Yes. हाँ कि नहीं? Yes. हाँ कि नहीं? Yes. कौन कौन हाँ बोल रहा है, तो बताओ, थोड़ा अपने पे भरोसा रखो। नहीं। भाई 10,000 रुपए तो ऐसी कमाई होगी मेरी, 100-100 की शर्त लगा रहे हो तो। सर दी आंसर इज, अच्छा यस क्यों बोल रहे हो? As per the definition of 245 बताओ मेरे को, क्या जो आपने बोला वो 245 के definition में लिखा है? Indirect control of voting power लिखा है क्या? नहीं।
मेरा सवाल है गवर्नमेंट कंपनी के डेफिनेशन के हिसाब से क्या ये गवर्नमेंट कंपनी है? सर मैंने आपको क्या बोला, गवर्नमेंट कंपनी बनने का दो तरीका मेरे साथ साथ बोलो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। बहुत सारे बच्चों ने यस बोला और ये नॉर्मल है, तुम कोई नए नहीं हो, पता है ऐसे ही होता है, इसलिए तो बनाया ना एग्जांपल, नॉर्मल है। पर सुनो मेरी बात, लॉ का इंटरप्रिटेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है। लॉ ने बोला दो तरीके से गवर्नमेंट कंपनी बन सकते हो। पहला तरीका क्या, 51% इज हेल्ड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, और पार्टली बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्टली बाई स्टेट गवर्नमेंट। यहां पे कोई गवर्नमेंट कंपनी की बात किया है क्या? यहां पे ये बोला क्या गवर्नमेंट कंपनी का होल्डिंग देखेंगे? नहीं, आप सीजी का और एसजी का होल्डिंग देख रहे हो। मेरे को बताओ पहले वाले केस में बीपीसीएल में सीजी का होल्डिंग कितना है? 25%। एसजी का होल्डिंग कितना है? 0। मैं किसी और का होल्डिंग देखूंगा क्या? मैं किसी और का होल्डिंग देखूंगा क्या? नहीं। तो पहले वाले केस में गवर्नमेंट कंपनी बना क्या? नहीं। अब दूसरा तरीका क्या है गवर्नमेंट कंपनी बनने का? दैट यू आर अ सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। यहां सीजीएसजी लिखा है क्या? नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट कंपनी देख रहे हैं। मेरे को बताओ यहां पे गवर्नमेंट कंपनी कौन है? ओएनजीसी। आर यू अ सब्सिडरी ऑफ ओएनजीसी? नो, यू आर नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी। अरे समझे क्या मेरी बात? एक बार फिर से ये डेफिनेशन पढ़ो अभी। मेरे को पता है अभी भी 15 बच्चे होंगे जिनको नहीं समझा, इसीलिए मैं बोल रहा हूं एक बार डेफिनेशन पढ़ो अभी। अगर तुम सामने से मेहनत नहीं करोगे तो मैं नहीं समझा पाऊंगा। तुमको अपना दिमाग खोलना तो पड़ेगा इंफॉर्मेशन डालने के लिए। खोलो पहले ये दोनों पॉइंट पढ़ो। दो ही तरीके से गवर्नमेंट कंपनी बन सकते हो। पहला वाला क्या है, कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाई सीजी एसजी और पार्टली बाई सीजी एसजी। या गवर्नमेंट कंपनी लिखा है क्या? नहीं। मतलब यहां पे मेरे कंपनी में गवर्नमेंट कंपनी का क्या होल्डिंग है मैं नहीं देखूंगा। मैं पूछूंगा सीजी शेयर होल्डिंग है क्या? हाँ। एसजी शेयर होल्डिंग है क्या? हाँ। बाकी सब गया तेल लेने। दूसरा केस क्या है गवर्नमेंट कंपनी का, इट इंक्लूड्स अ कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, अगर आप गवर्नमेंट कंपनी के सब्सिडरी हो, यहां पे सीजीएसजी लिखा है क्या? नहीं। तो आप यहां पे सिर्फ गवर्नमेंट कंपनी का शेयर होल्डिंग देखोगे। अब देखो सर, बीपीसीएल में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का मिला के कितना होल्डिंग है? 25%। इट इज लेस देन 51%। तो आप पहले वाले केस में गवर्नमेंट कंपनी नहीं बन रहे हो। और दूसरा केस क्या है, सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। यहां पे बीपीसीएल के केस में गवर्नमेंट कंपनी कौन है? ओएनजीसी। क्या आप उसके सब्सिडरी हो? नहीं। तो आप इस केस में गवर्नमेंट कंपनी नहीं बने। अरे समझा क्या? Yes, पक्का? Yes, किसको अभी भी लग रहा है कि गवर्नमेंट कंपनी है? और इसको देख के हाथ उठाओ कम से कम, इसका डाउट है कि तेरे को लग रहा है गवर्नमेंट कंपनी है? हाँ। इनडायरेक्ट होल्डिंग मत निकालो। मैं तुमको क्या बोल रहा हूं, हम ये जो तुम इनडायरेक्ट होल्डिंग निकाल रहे हो, तुमने सब्सिडरी कंपनी का डेफिनेशन पढ़ा, क्या वहां पे इनडायरेक्ट वर्ड यूज था? तुमने एसोसिएट कंपनी का डेफिनेशन पढ़ा, क्या इनडायरेक्ट वर्ड यूज था? नहीं। गवर्नमेंट कंपनी में भी नहीं यूज थे। तो सर तुम्हारा ये इनडायरेक्ट आ कहां से रहा है? अकाउंट से। अकाउंट की फील है वो तुम्हारी सब्सिडरी कंपनी की। तो डोंट गो फॉर इनडायरेक्ट शेयर होल्डिंग। लॉ हैज टू बी इंटरप्रिटेड लिटरली। अगर लिटरल इंटरप्रिटेशन में कुछ अनक्लैरिटी आ रही है, तुम्हारे मन का डाउट को अनक्लैरिटी नहीं बोलते, लिखे हुए लॉ में अगर कुछ अनक्लियर है तो आप इंटरप्रिटेशन निकालते हो। पर यहां पे लिटरल इंटरप्रिटेशन में कहीं पे भी इनडायरेक्ट शेयर होल्डिंग की बात करी है क्या? नहीं ना। तो डेफिनेशन बहुत क्लियर है। बताओ और कुछ, और कोई, एनी वन एल्स? पक्का समझे? अग्रीड? ये नोट कर लो एग्जाम्पल, सिर्फ यही वाला नोट कर लो। ये जो दो एग्जाम्पल मैंने आजू बाजू में लिखा है, ये दोनों को नोट कर लो। बोलो, हाँ 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 हाँ, सब्सिडरी कंपनी किसी और की होल्डिंग कंपनी ये बन सकती है क्या? बिल्कुल। आप ये बताओ, जो आज किसी का बेटा है वो कल किसी का बाप तो बनेगा ना, नॉर्मल है। वो सब्सिडरी कंपनी भी किसी का होल्डिंग बनेगा। हाँ हाँ, सास भी कभी बहू थी, सही बात है। जो नीचे वाला है वो एसोसिएट होगा। जोर से बोलो, खड़े होकर के, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ, वो बोल रहे किसी और कंपनी का बन सकता है क्या? हाँ बन सकता।
तुम्हारे मन के वो देखो कितना भटकता है। बोलते हैं पर सर वो खुद के होल्डिंग का तो होल्डिंग नहीं बन सकता ना। अरे ऑफ कोर्स यही वाला लगाओ। मैं बोल रहा हूँ मेरा बेटा है, वो बेटा बोल रहा है मैं उसका बेटा हूँ। कैसा चलेगा, ऐसा थोड़ी होगा। हाँ यार तुम यही बेटा बाप वाला करते रहो, हमारा क्लास खत्म हो जाएगा, क्लास के बाद लूंगा मैं ये वाले सवाल तुम्हारे। तो तुम एक लिख लिया तुमने, अब तुम एक बात बताओ मेरे को, क्या मैं एक चार्ट बना लूं छोटा सा, जो तुम अपने भी नोट्स में बना लो एक टाइमलाइन, कि ये 0% अगर शेयर होल्डिंग है तो कोई रिश्ता नहीं है, 0 से 20% तक है तो कोई ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, बस आपने इन्वेस्ट कर रखा है तो मैं उसको बोलूंगा सिंपल इन्वेस्टमेंट। सिंपल हमारा क्या है, इन्वेस्टमेंट। मतलब अगर रिलायंस ने क्या किया है, रिलायंस ओटीटी में नॉर्मल 15% का शेयर खरीदा है तो वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इन्वेस्टमेंट दिखाएगा। अब 20% के ऊपर अगर हो जाएगा 50% तक, तो आप इसको क्या नाम दोगे, एसोसिएट का नाम दोगे। और 50% के ऊपर अगर चला जाएगा तो सब्सिडरी का नाम दोगे। लेकिन अगर पूरा 100% शेयर होल्डिंग हो जाएगा तो आप उसको एक और नाम बोलते हो, होल्ली ओन सब्सिडरी। क्या बोलते हो, होल्ली ओन सब्सिडरी, मतलब पूरी की पूरी मेरी है, मैं किसी के साथ नहीं बांटूंगा। कंपनी होल्ली ओन सब्सिडरी, जिसको हम प्यार से WOS बोलते हैं। ये समझे क्या? आपका मन कर रहा है सर ऐसे 75% के भी ऊपर कुछ होता है क्या? नहीं होता है। 50% के ऊपर गए यानी कि आपका क्या हो गया, सब्सिडरी। लेकिन यहां पे ध्यान रखना, ये 50% के ऊपर जाना पड़ेगा आपको, यहां पे एग्जैक्ट 20% पे भी काम हो जाएगा। मैंने यहां पे क्या बनाया, ये वाला लाइन, यहां पे मैंने क्या बनाया, आगे जाने का एरो। मतलब क्या, अगर एग्जैक्ट 20% है तो आप एसोसिएट बन जाओगे, पर अगर एग्जैक्ट 50% है ना तब भी आप एसोसिएट ही रहोगे। 51 पे क्या बनोगे, आप सब्सिडरी बनोगे। समझे ना? अरे क्लियर है क्या? यस सर। ये क्या डेफिनेशन था आपका, गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन था। अब आपने स्मॉल कंपनी पढ़ लिया, प्राइवेट कंपनी पढ़ लिया, गवर्नमेंट कंपनी पढ़ लिया। एक लास्ट छोटा सा डेफिनेशन, फिर अपन क्लास खत्म करेंगे, ठीक है? नहीं चलो डेफिनेशन नहीं करते, एक काम करो, नोट्स में एक क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन अ क्वेश्चन। राइट डाउन अ क्वेश्चन, मेरे साथ साथ लिखो क्वेश्चन। न्यू प्राइवेट लिमिटेड, न्यू प्राइवेट लिमिटेड इज अ कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹70 crores and turnover of rupees, sorry वो 70 lakhs है, sorry 70 lakhs, so sorry, and turnover of ₹30 crores, turnover of ₹30 crores, explain the meaning of small company and examine whether new private limited is a small company. Examine whether new private limited is a small company. ये आप यूं समझ, ये आपका मॉक टेस्ट पेपर का क्वेश्चन है और ये 4 marks का क्वेश्चन है। आंसर लिखो अपने हिसाब से, जो तुमको स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन आ रहा है वो लिखो, पर मेरी तरफ एक बार स्क्रीन में ध्यान दो लिखने के पहले। सर आपका लॉ लिखने का एक फॉर्मेट होता है, लॉ लिखने का एक फॉर्मेट होता है। आज से 2 साल पहले तक ICI ने यह फॉर्मेट को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया था। आज से 2 साल पहले तक ICI ने यह फॉर्मेट ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया था, पर पिछले 2 साल से जितने भी ICI के MTP आ रहे, हेलो जो लोग नहीं सुन रहे हो भाई सुन लो, नहीं तो भीड़ में ऐसा खो जाओगे ना,
कोई तुमको नहीं बचा सकता। खोना बहुत आसान है यहाँ पे, तुम लोग पुणे इतनी दूर ईशान अवस्थी बनने के लिए नहीं आए हो, और अगर ईशान अवस्थी बनना है तो खिड़की वाला सीट खोलो, कांच खोलो और बैठ के बाहर ऐसे बारिश देखो। सुन लो मैं जो बता रहा हूं, क्योंकि बाद में ये सारी चीजें तुमको, ये अभी तुम समझो ये सारा बेस बन रहा है। खिड़की खुल रहे मैडम हाँ राघव बताओ ना, एसोसिएट समझा दो, बताता हूं मेरी बात सुनो। ये सब कॉन्सेप्ट्स एक ही बार बता पाऊंगा ना मैं, बाद में तुमको प्रैक्टिस करवाऊंगा, इसी पे अपन बिल्ड करेंगे, और पर बेस में बार बार कैसे बताऊंगा। तो सुनो, आपका कोई भी आंसर लिखने का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, फोर स्टेप प्रोसेस होता है। सबसे पहला प्रोसेस होता है फैक्ट्स ऑफ द केस। मैं जो बोल रहा हूं आपको, ये जो पैटर्न है, आई एम टेलिंग यू दिस इज आईसीआई का एक्सेप्टेड पैटर्न, यू आर नॉट गोइंग टू डिविएट फ्रॉम इट। पहला है रेलेवेंट प्रोविजन। पहला क्या है? रेलेवेंट प्रोविजन। रेलेवेंट प्रोविजन मतलब क्या? रेलेवेंट प्रोविजन मतलब आप कंपनीज एक्ट के कौन से सेक्शन की बात करना चाह रहे हो वो बताओ, तो तुम अपना हेडिंग डालोगे रेलेवेंट प्रोविजन, और उसके तुम नीचे लिखोगे एज पर सेक्शन 285 ऑफ द कंपनीज एक्ट, स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी हैविंग दिस दिस, इट डज नॉट इंक्लूड दिस दिस दिस। ये आपने पूरा समेट करके लिखा। अगर आपको वो रेंज याद है तो आप फिर उस तरीके से लिखो कि रेंज है ये और एक्चुअल में प्रिस्क्राइब कितना किया है, जितना तुमको जमे उतना लिखना। रेलेवेंट प्रोविजन हो जाने के बाद क्या करोगे? आप लिखोगे फैक्ट्स ऑफ द केस। फैक्ट्स ऑफ द केस मतलब क्या? फैक्ट्स ऑफ द केस कुछ नहीं होता है, क्वेश्चन में जो लिखा है उसी को रिपीट करना होता है। इन द गिवन क्वेश्चन, न्यू प्राइवेट लिमिटेड इज अ प्राइवेट कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ सो एंड सो एंड टर्नओवर ऑफ सो एंड सो। उसके बाद आप लिखोगे एनालिसिस, रुक जाओ एनालिसिस, और लास्ट पार्ट होता है आपका कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या होता है? कंक्लूजन इज बेसिकली वन लाइन वेरी यू राइट इन द गिवन केस न्यू प्राइवेट लिमिटेड इज अ स्मॉल कंपनी और नॉट अ स्मॉल कंपनी। पर ये एनालिसिस वाला पार्ट क्या होता है? बेसिकली एनालिसिस में आपने ये प्रोविजन लिख दिया, आपने ये फैक्ट्स ऑफ द केस लिख दिया, एक तरफ आपने बता दिया प्रोविजन है ये, एक तरफ आपने बता दिया ये केस है, पर ये दोनों को मिलाना भी तो पड़ेगा ना, ये दोनों को मिलाना भी तो पड़ेगा ना। कैसे मिलाओगे आप? आप लिखोगे बिकॉज इन द गिवन क्वेश्चन Thus, new private limited company has paid up share capital of this much, which is less than the limit, and turnover of this much, which is less than the limit. Hence, in this case, the company will be a small company or not. और conclusion में वही last वाले line को repeat कर दोगे बस, कि भैया ये company small company है या नहीं है। अब बहुत सारे question में ये analysis वाला कोई part अलग से नहीं होता है, तो आप फिर क्या लिखते हो? आप analysis और conclusion एक साथ लिखते हो heading में, कि भैया यही एनालिसिस है और यही क्या है आपका कंक्लूजन है, तो आप वहां पे कंक्लूजन अलग से नहीं लिखोगे। अब सर मान लो अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, सबसे ज्यादा वेटेज किसका होता है पता है? रेलेवेंट प्रोविजन का। मान लो अगर 4 मार्क का क्वेश्चन है तो आपके 1.5 मार्क्स तो आपको रेलेवेंट प्रोविजन के मिल गए, मतलब अगर सही से तुमने बकायदा पूरी एनर्जी डाल के स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन लिख दिया ना, तुम्हारे 1.5 नंबर तो वहीं देके जाएगा, वो 1.5 नंबर तो वहीं देके जाएगा। उसके बाद अगर सी द ओनली पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू से इज आई नो दैट आई हैव टू स्पीक इन इंग्लिश सो आई एम ट्राइंग, ठीक है, द नंबर्स वो मैं कोशिश कर रहा हूं, ऐसा मत समझना कि मैं नहीं बोल रहा हूं, मतलब मैं ढीठ हूं, कोशिश कर रहा हूं, याद आता रहेगा तो बोलता रहूंगा। फैक्ट्स ऑफ द केस क्या है? फैक्ट्स ऑफ द केस क्या है जो तुम लोगों ने क्वेश्चन में लिखा है? फैक्ट्स ऑफ द केस का कितना नंबर मिलता है सर? 0। तुमको क्या लगता है आईसीआई बोलेगा अरे क्वेश्चन लिखा था उसी को नीचे छाप दिया, वाह 1 नंबर? तो लोग क्या करेंगे जो नहीं पढ़ने वाले, जाके सिर्फ क्वेश्चन पेपर लिख के आ जाएंगे। भैया 7 क्वेश्चन मतलब टोटल 15 क्वेश्चन रहे तो 15 मार्क ऐसे ही मिल जाएंगे क्या तुमको? नहीं भैया, फैक्ट ऑफ द केस का 0 मार्क्स होता है, तो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर पुटिंग लीस्ट एनर्जी टू राइट फैक्ट्स ऑफ द केस। उसके बाद आप एनालिसिस और कंक्लूजन वेरीज फ्रॉम क्वेश्चन टू क्वेश्चन, जितना प्यारा तुम उसको समेट के लिख सको और जितना प्यारा कंक्लूड करो। तुम एक चीज ना, जब आंसर लिख रहे हो ना, तो ये समझ करके चलना कि एग्जामिनर जो चेक कर रहे वो एक 15 साल का बच्चा है, उसको समझ में सब आता है, बस उसको समझाना पड़ेगा। अज्यूम मत करना कि उसको कुछ आता है, आपको उसको समझाना पड़ेगा। तो अब ये क्वेश्चन अगर तुमसे कोई 15 साल का बच्चा पूछा तो तुम कैसे समझाओगे? तुम बोलोगे देख बेटा, स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन ये है, कंपनी में क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, तो इसके हिसाब से ये आंसर होगा, हां कि नहीं? तो वही वाले फ्लो में अगर प्यार से लिखोगे, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करोगे, तो एग्जामिनर को भी पढ़ने का मूड बनेगा, पढ़ने का मन करेगा, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, एग्जामिनर सिर्फ तुम्हारा पेपर चेक कर रहा है क्या? नहीं सर, 500,000 बच्चों का पेपर चेक करेगा। तुम इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, क्या उसको बोर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्यों कर रहा है वो? क्योंकि उसको पैसे चाहिए। कुछ झूठ बोल रहा हूं क्या भाई? प्रैक्टिस वो क्या चैरिटी कर रहा है क्या वो? उसको पैसे से मतलब है?
पर हमको क्या मतलब है? हमको मतलब यह है कि भाई जब हमारा पेपर वो चेक करे उसकी लाइफ इजी होनी चाहिए कि डिफिकल्ट। अब सर डिफिकल्ट लाइफ क्या होती है? मैंने प्रोविजन गोद गोद के गंदे हैंडराइटिंग से लिख दिया, उसकी कोई मदद नहीं करी, कोई बुलेट पॉइंट्स नहीं डाला मैंने, कोई स्पेसिंग नहीं छोड़ा मैंने, मतलब ले तेरे को पैसे मिल रहे हैं चेक कर। वो करेगा क्या मन से चेक? वो जहां तुमको दो नंबर देने वाला होगा ना वहां 1.5 देके जाएगा, है कि नहीं? पर वही अगर तुम उसकी लाइफ इजी कर दो, कैसे? थोड़ी हैंडराइटिंग सुधार लो, थोड़ी स्पेसिंग ठीक कर लो, अंडरलाइन कर लो, तो बंदा 200 पेपर चेक कर लिया मान लो, उसके बाद जब 201वां पेपर तुम्हारा उठाया, देखा यार कितना क्लीन प्रेजेंटेशन है, बंदे ने कितना सही लैंग्वेज यूज किया है, क्या वो तुम्हारे तरफ थोड़ा बायस्ड होगा कि नहीं होगा? है तो इंसान ना, मशीन तो चेक नहीं कर रहा है ना, है तो इंसान, तो इंसान नेचुरल बिहेवियर है। सो यू विल हैव टू मेक श्योर दैट यू आर राइटिंग द पेपर इन अ वे दैट ही इज विलिंग टू रीड इट एटलीस्ट। नहीं तो भाई मैं तुमको लिख के दे रहा है, तुम पेपर खराब करो, हैंडराइटिंग खराब करो, अंडरलाइन मत करो, तुम पूरा प्रोविजन सही लिखो, वो चार में से तुमको एक देगा, तुम कुछ नहीं उखाड़ सकते इंस्टीट्यूट का। वो इंस्टीट्यूट तुमको बोलेगा मैंने बोला था सीए करने, तू आया ना मेरे पास चल के, हाँ मैंने बोला था क्या? सर क्यों ऐसा होगा? तुम्हारी भी गलती है ना, तुमने उनको समेट के दिया क्या? वो तुम्हारे लिए काम कर रहे क्या? नहीं ना, तुम उनको जितना समेट के दोगे, जितनी रीडेबिलिटी, मान लो तुमने कोई एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा, वो पॉइंट तुमने कहीं बीच में घुसा दिया, वो नहीं पड़ेगा भाई। एंड ही इज अ ह्यूमन बींग दैट यू विल हैव टू एक्सेप्ट। यू कैन नॉट ब्लेम हिम कि मेरे को पूरा करेक्ट था, तूने मेरे को इसके आधे नंबर नहीं दिए। कहाँ? कोर्ट में जाओगे, केस करोगे अपने इंस्टीट्यूट पे, फिर उसकी डिग्री मांगोगे, बोलेगा डिग्री दे मेरे को, देगा क्या वो तुमको? सिंपल सी बात है। तो क्लैरिटी रखो, तुमको जो आंसर जमता है इसका लिखो 5 मिनट में, और उसके बाद अपन कल की क्लास में प्रॉपर आंसर इसका लिखेंगे। सब लोग मन से एकदम लिखो, बाजू वाली क्लास में मैं आ रहा हूं, और ऑनलाइन वाले तुम भी लिखो। कोई तुम्हारा चेक नहीं कर रहा है इसका मतलब ये नहीं कि बैठे रहोगे सिर्फ। कीवर्ड्स अंडरलाइन करना प्लीज भाई, क्लास की छुट्टियां।
एक सेकेंड दोस्तों, गाइस सुनो, घर जाके लिख लेना जो बचा हुआ है, कल क्लास में आकर के हम उसको लिखेंगे। मेरी बात प्लीज सुनो एक सेकेंड। स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन में जो 50 लाख से 10 करोड़ का रेंज है, वो रेंज में तुमको कंफ्यूजन होना नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि उन्होंने लिखा ही इतना कॉम्प्लिकेटेड है। जिनको समझा ठीक है, जिनको नहीं समझा कल क्लास की शुरुआत में मैं एक बार फिर से रेंज बताऊंगा, तो तुम तब समझ लेना। पर आज घर जाकर के जो भी लिखा हुआ है तुमको समझ आ गया तो लिखना, नहीं समझ आया तो जो स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन मैंने तुमको पढ़ाया आज उसी को लिख करके आ जाना। पर एक बार आंसर अपने हिसाब से लिख लेना ताकि तुमको समझ पाएगा, नहीं लिखा है तो मैं तुमको जब लिखाऊंगा तो तुमको अच्छे से समझ आ जाएगा। अरे हाँ कि नहीं? कल मिलेंगे सुबह 8:30 बजे। समझ आया तुमको सेशन? आज रिवाइज करके आओगे? ठीक है, बाय बोलो बच्चों, बाय बाय गाइज, हैव अ गुड डे। हाँ, हेलो, हाँ दिवांग टर्नओवर बता दो। दिवांग टर्नओवर का क्या बताऊं राजा? ऑनलाइन वाले तुम्हारा भी क्या डाउट है बता दो मेरे को एक बार। सर एग्जाम में कौन सी डेफिनेशन आई? तो 4 करोड़ और 40 करोड़ वाला। खुशी ठीक है? हिमांशु यहाँ हूं ना भाई, हूं तो सही यहाँ पे। और ऑनलाइन वाले तुम्हारा संडे को एक जूम कॉल होगा, प्रीति कल पूरा आंसर लिखाऊंगा मैं आपको। देवांग पूछ रहे टर्नओवर का मतलब बता दो। बेटा टर्नओवर मतलब सेल्स, अभी के लिए ये समझ लो। टर्नओवर डिफाइंड है पर अभी टर्नओवर मतलब तुम सेल्स समझ लो। एक सेकेंड, सब्सिडी की फर्स्ट लेयर में मोर देन वन सब्सिडी हो सकती है ना? कोई भी लेयर में राजा, कोई भी कंपनी को अगर आप देखोगे ना तो उसके नीचे दो ही लेयर ऑफ सब्सिडीज आ सकते हैं। सर प्रेसिडेंट चेंज हो गया तो गवर्नमेंट कंपनी होगा क्या उसके बाद फिर ये? बेटा जो भी प्रेसिडेंट नया आएगा ना, सारा शेयर्स उस नए प्रेसिडेंट के नाम पे चला जाएगा। प्रेसिडेंट चेंज हो गया तो यू समझना बस नाम बदल जाएगा, बाकी सब चीजें वही रहेगी। जय बताना क्या मिस हो गया, डाउट बोलना। अभी जब डाउट ले रहा हूं तो तू बकवास कर रहा है। बोलो राजा। हाँ हिमांशु लिख सकते हो, 4 करोड़ और 40 करोड़ लिख सकते हो। आंसर लिखा आपने? तो सब्सिडी तो गवर्नमेंट कंपनी, दोनों में से कोई भी एक और है। और कोमल मैं बताऊंगा आपको सैटरडे को, टाइम बताऊंगा। फोर करोड़ और 40 करोड़। ठीक है, हाँ फ्लैश उसमें क्या बताऊं मैं आपको एग्जांपल में? सर कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? कॉम्पोजिशन मतलब किस चीज का, जैसे कितने लोग से बना हुआ है। जैसे बोर्ड का कॉम्पोजिशन मतलब क्या, बोर्ड में कितने लोग आते हैं? 5 लोग आते हैं, तो 5 में से अगर 3 जना एक इंसान बैठा रहे तो वो होल्डिंग कंपनी हो जाती है। खुशी एक बार मेरे हिसाब से वो वाला पोर्शन फिर से देखोगे क्या? नहीं तो मैं बता दूंगा, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्लैश में एक बार एग्जाम्पल कल रिवीजन में ले लूंगा, कल ओएनजीसी वाला।
आंसर आगे चल करके मैं सबमिट करवाऊंगा, डोंट वरी। हर्ष, हाँ बोथ कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, इसलिए वहां पे मैंने एंड लिखा है। इधर कंपनी ए गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने ए कंपनी में इन्वेस्ट किया, ए ने आगे बी और सी में इन्वेस्ट किया, तो बी और सी में कुछ रिलेशन एस्टैब्लिश होता है या नहीं होता, मतलब सिस्टर कंपनी एसोसिएशन में ऐसा कुछ होता है? करेंगे ना, क्यों, रेलेवेंट नहीं है अभी फिलहाल, अभी फिलहाल नहीं है जितना भी आपने सुना ना। फिड्यूसरी कैपेसिटी क्या होता है, सुनो, ऑनलाइन भी एक बच्चे ने पूछा फिड्यूसरी कैपेसिटी। फिड्यूसरी कैपेसिटी मतलब क्या होता है, कभी कभी मैं शेयर्स अपने नाम पे डायरेक्ट होल्ड करने की जगह मैं किसी को पैसा देता हूँ और मैं बोलता हूँ आप अपने नाम से होल्ड कर लो। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि टैक्स का बेनिफिट होता है एक तो, और दूसरा आपको लगता है कि अगर जैसे मेरी अगर डेथ हो जाएगी तो मेरे को लगता है मेरे हायर के पास किसको जाएगा, कौन जाएगा, ये सब मगजमारी मेरे को चाहिए ही नहीं, तो मैंने एक ट्रस्ट बना दिया अलग से। तो वैसे ही नीता अंबानी ने क्या किया, मान लो नीता अंबानी को इन्वेस्ट करना था रिलायंस जियो में, उसने खुद ने इन्वेस्ट किया, उसने किसको दे दिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज को दे दिया कि ले 100 करोड़ रुपए तू इन्वेस्ट कर दे। अब इन्वेस्ट तुमने किया है, दिख रहा है कि तुमने पैसे लगाए हैं, पर पैसे किसके हैं, मेरे शेयर्स हैं, मेरे नाम पे किसके हैं आपके, तो उस केस में क्या होगा, माना जाएगा कि आप फिड्यूसरी कैपेसिटी में होल्ड कर रहे हो। तो मान लो मेरे पैसों से आपने 10% खरीदा और खुद के पैसों से आपने 45% खरीदा था, तो मिला करके कितना हो गया, 55%, तो होल्डिंग सब्सिडियरी हो गया क्या? लॉ ने बोला नहीं, क्योंकि तुम्हारा तो सिर्फ 45% है ना, बाकी 10 तो मेरा है, तो आप 45 होल्ड कर रहे हो, तो आप सब्सिडरी नहीं बना पाए, उसको आप एसोसिएट ही बोलोगे, नहीं होगा, ट्रस्ट में जो होल्ड कर रहे हो वो काउंट नहीं होगा। दिस इज ऑल थियोरिटिकल, प्रैक्टिकली तो ये सबका रेलेवेंस ही नहीं आज के डेट में, फिड्यूसरी कैपेसिटी वगैरह का। मैंने क्या बोला सबसे पहले, इट इज नॉट प्रेवलेंट इन इंडिया, इट इज प्रेवलेंट इन यूएस, बट कॉन्सेप्ट क्या है वो समझो, प्रैक्टिकली नहीं रिलेवेंट है ये वाला पॉइंट। व्हिच पार्ट ऑफ इट, डोंट गो फॉर ऑल दोज थिंग्स, इफ यू विल टेल मी डिसीजन लेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, डिसीजन लेगा स्टेट गवर्नमेंट, देन हाउ विल यू एवर डिसाइड, वॉट इज रिटन इन लॉ? Law says only two things. Number one, central government or state government is holding more than 50%, 51%. Is it true? नहीं, check करो आप. Here it is not true, here it is true. हाँ, तो ये तो government company हो गया, ये तो clear है. BPCL में क्या central government और state government मिला के 51% या उससे ज़्यादा hold कर रहा है क्या? नहीं, क्योंकि central government सिर्फ 25% hold कर रहे हैं. दूसरा case है, क्या आप एक government company के subsidiary हो? सब्सिडरी के लिए लगता है मोर देन हाफ, हाउ मच डू यू होल्ड, ओनली 40%, सो आर यू अ सब्सिडरी? नो, दैट इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट। उधर वो 51% वाला था क्या? व्हेन यू रेड पब्लिक कंपनी डेफिनेशन, डीम्ड पब्लिक कंपनी वाला, उसके ऊपर क्या लिखा था, इफ यू आर अ सब्सिडरी you will be considered as a public company. Both the provisions are different. Government company बनाने पे ना, government companies को बहुत सारे benefits और disadvantages होते हैं. तो please understand that if there is a government company, then you will have to comply with lot more provisions. So we don't want to make a lot of government companies, hence the provision. आप एक बार समझना, घर जाके read करना, फिर अपन discuss करेंगे. हाँ हाँ हाँ, मैं देख लेता हूँ ये, बोलो। It is just an introductory statement जो बताता है एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है। एक्ट का ऑब्जेक्टिव है कि ये जो कंपनीज एक्ट बना, इसका ऑब्जेक्टिव है कि हम कंसोलिडेट करके लॉ को अमेंड करेंगे। क्या पूछ रहे हो आप, फिर से पूछो। प्रीएम्बल, अरे इट इज एन वन लाइन इंट्रोडक्शन, उसका कोई मतलब नहीं है। इट इज वन लाइन इंट्रोडक्शन ऑफ द एक्ट, कि तुम एक लाइन में समझाओ तुम करने क्या वाले हो एक्ट में।
एक लाइन में समझाओ क्या करने वाले हो। तो एक लाइन ये है, आ जाओ ना सर, मैं यहाँ आ जाता हूँ। चलो ऑनलाइन वाले बच्चों, लेता हूँ मैं तुमसे एक और बार सेशन डाउट का, मिलते हैं, ठीक है, बाय बाय। एक सेकेंड आ जाओ।